हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे, राइट? सो दोस्तों, वेलकम टू आरसीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग फास्ट ट्रैक बैच, राइट? हम लोग बहुत 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 बढ़िया पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस विद ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपका जितना भी कॉस्टिंग से रिलेटेड टेंशन है, भाई आपका दूर कर देगा। इस पूरे बैच में आपको सिर्फ एक ही काम करना है। वो क्या काम करना है? आपने पूरा ध्यान से मन लगा के एक एक जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को आपने एकदम मन लगा के आपने समझना है। कॉन्सेप्ट रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपने पूछना है। रिमेंबर, ये कहने के लिए फास्ट ट्रैक है, बट कॉस्टिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो एकदम आराम से, इत्मीनान से, पूरी एकदम मतलब टाइम लेके पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थोड़ा हम लोग स्पीड अप करेंगे उसमें, जैसे रेगुलर क्लास में बहुत लेट लेट के एकदम आराम से प्यार मोहब्बत से सॉल्व करते थे, वो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को तो डिटेल में पढ़ाया ही जाएगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज एक्साइटेड टू स्टार्ट विथ वॉट आर फास्ट ट्रैक बैच? पूरा पूरा सिलेबस एकदम मस्त तरीके से रिवाइज करने के लिए। यस सर, चलिए। सो लेट्स रॉक गाइज। सबसे पहले आता है अपना फर्स्ट चैप्टर। अभी इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं खेलेंगे, डायरेक्टली अभी पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अपने पास दिन है कम, पढ़ना है बहुत ज्यादा। तो बॉस लेट्स रॉक। चलिए, सो सबने एकदम आराम से इन्वॉल्व रहना है, सबने नोट्स भी बनाते रह जाना है मेरे साथ ही, है ना? तो एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनते जाना। अब बात करते हैं अपना चैप्टर नंबर वन, पहला चैप्टर जो डिस्कशन का है वो। तो दोस्तों, हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में। अब जब मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्टिंग की जब बातचीत कर रहे हैं, तो रिमेंबर आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जो भी मटेरियल की बात हो रही है, ये कौन से मटेरियल की बात हो रही है? मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। देखिए, मटेरियल जो है ना, ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल ये कहाँ चला जाता है? अंडर ओवरहेड्स। हम यहाँ पे मटेरियल कॉस्टिंग में जो भी बात करेंगे वो होगा डायरेक्ट मटेरियल के बारे में, जो होगा रॉ मटेरियल विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, राइट? यस सर। सो अब दोस्तों, इसके अंदर हम लोग पहला कॉन्सेप्ट, अभी पूरा जो अपना अप्रोच होगा, ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड अपना अप्रोच होगा, ठीक है ना? सो आप सबने एकदम आराम से मन लगा के एकदम पूरा फोकस करने का है, ठीक है ना? नजर हटी, समझना दुर्घटना घटी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग अब जो बात कर रहे हैं वो बातचीत होगी किसके बारे में? सो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जो होगा अपना कौन सा मेरे बच्चों? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। किसकी बात होगी अपनी? सबसे पहले अपना होगा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। मतलब जो मटेरियल अपने स्टोर्स में आता है, जो मटेरियल अपने गोडाउन में आता है, उस मटेरियल का अपने को क्या करना होता है? अपने को इसका लैंडेड कॉस्ट क्या निकालना होता है? लैंडेड कॉस्ट, बराबर, कि अपन ने उस मटेरियल को कितने में एक्वायर किया है, व्हाट इज द परचेज कॉस्ट, जो अपने को निकालना होता है। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट नंबर वन अपना कौन सा है? तो कॉन्सेप्ट नंबर वन हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों? फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। चलो, तो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल की जब चर्चा करते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ बातें ये हम लोग सीखेंगे। आइए, कम ऑन एवरीवन, स्टे फोकस्ड। सो यहां पे कुछ चीजें आपको साथ में लिखनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना? कुछ चीजें जो है आपको साथ में लिखनी है, चलो। बट अभी जब मैं लिखूंगा तभी लिखेंगे ना, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं आपको लिखने के लिए, है ना? ओके, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपन पढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। आफ्टर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लायर, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड, क्या बोला मैंने? असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज इज कॉल्ड एज व्हाट? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल्स रिसीट।
मतलब जो भी हम लोग ने मटेरियल परचेस करा है उस मटेरियल की वैल्यू अपने को निकालनी है, उसका लैंडेड कॉस्ट निकालना है, अपने को वो मटेरियल कितने में आया वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो उसका परचेस कॉस्ट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। आर वी गुड? यस सर। तो अब इस वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में क्या क्या चीजें अपने को कंसीडर करनी है, क्या चीजें अपने को ऐड करनी है, क्या चीजें अपने को माइनस करनी है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सो क्या कहता है, इनवॉइस ऑफ मटेरियल परचेज फ्रॉम द मार्केट समटाइम्स कंटेन्स द आइटम्स सच एज। तो जब आपको एक इनवॉइस दिया जाता है ना, तो इस इनवॉइस में आपको कुछ कुछ आइटम्स दिखेंगे, तो उन आइटम्स को हम लोग को एनालाइज करना है, या आपको क्वेश्चन में कुछ आइटम्स आपको देंगे उसके बेसिस पे आपको उस मटेरियल का वैल्यू निकालना है। ओके ओके। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं यहां पे, व्हाट विल बी द फर्स्ट आइटम, इसके अंदर अपना फर्स्ट आइटम क्या होगा, तो दैट इज वेरी सिंपल। तो जो अपना जो परचेज कॉस्ट है तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी डाउट नहीं है। अब यहां से सेकेंड लाइन आइटम, एक एक चीज अभी ध्यान से मन लगा के समझते जाना, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। सेकेंड पॉइंट जब हम लोग देखेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट। सेकेंड आइटम जो अब हम बात करेंगे वो किसके बारे में होगा मेरा बच्चा, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, तो कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस प्राइस इफ इट इज नॉट शोन एज द डिडक्शन। मतलब जब आपका ये परचेस कॉस्ट है बराबर, अगर ये विदाउट ट्रेड डिस्काउंट है तो यहां पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग देखो जब भी हम लोग अपना परचेसेस बुक भी करते हैं तो इट इज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स, बराबर। सो यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे इस ट्रेड डिस्काउंट को आपने क्या करना है, आपको इसको डिडक्ट करना है, इफ Not reduced, if what? Not reduced from the purchase cost. तो if it is not reduced from A, तो आपने मेरा बच्चा क्या करना है, आपने उसको माइनस करके आपका कॉस्ट निकालना है। ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया, डिडक्ट इफ इट इज नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम द परचेस कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर ऑलरेडी रिड्यूस्ड है तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आई बात समझ में? यस सर। चलिए एक एक चीज क्लियर होते जाएगी, बताते जाना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अभी क्या कहते हैं अपना परचेस कॉस्ट के बाद, क्वांटिटी डिस्काउंट, सिमिलर ट्रीटमेंट होगा ट्रेड डिस्काउंट जैसे। जब हम लोग बल्क में होलसेल में जब कोई प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग को क्या करना, हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को एक क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल डिस्काउंट व्हेन वी गेट ना। तो हम लोग को एक डिस्काउंट मिलता है, उस डिस्काउंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उस डिस्काउंट को हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट मेरा बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट। एंड सेम इसका भी लॉजिक क्या होगा कि बॉस ये आपको डिडक्ट करना है इफ नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम ए। सो अगर ये भी आपका परचेस कॉस्ट में आपको दिखता है कि इसको आपने रिड्यूस नहीं किया है तो आप इसे रिड्यूस कर लीजिएगा। क्लियर एकदम? यस सर, बेस्ट है। चलिए लेट्स गो अहेड, फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करेंगे आपका फेवरेट जो कौन सा है, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को मेरा बच्चा क्या करेंगे हम लोग, तो कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड। आप देखिए बात को, कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस प्राइस, इट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस, देयरफॉर इट इज नॉट डिडक्टेड। तो भले ही आपको कैश डिस्काउंट, देखो आपने खरीदा कितने में है तो आपका परचेस कॉस्ट है। देखो ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, ये सबको नॉर्मली अवेलेबल होता है, बट वेन वी टॉक अबाउट कैश डिस्काउंट इट इज नॉट नॉर्मली अवेलेबल टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कैश डिस्काउंट कब अवेलेबल होता है, जब आप अर्ली पेमेंट करते हो, पेमेंट रियलाइज करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, एक लुक्रेटिव ऑप्शन दिया जाता है कि आप कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अगर आपके कॉस्ट को कंपेयर करना है, सो ऑब्वियसली कंसिडरिंग कैश डिस्काउंट वुड नॉट बी राइट। सो देयरफॉर आपने क्या करना है, इसको नॉट टू बी डिडक्टेड, इसको आपने डिडक्ट नहीं करना है। सो यहां पे तीन टाइप के डिस्काउंट्स की बात हो गई अपनी, वो कौन से तीन टाइप के डिस्काउंट्स है, नंबर वन वी टॉक अबाउट इज द ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। चलो लेट्स गो अहेड, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो वी नाउ टॉक अबाउट सब्सिडी ग्रांट्स एंड इंसेंटिव्स। अब सब्सिडी ग्रांट्स एंड इंसेंटिव्स मतलब क्या कहते हैं, कि आपको यहां पे गवर्नमेंट ने आपको कुछ छूट दी है, सब्सिडीज
या आपको कुछ ग्रांट दिया है या आपको कुछ बेनिफिट पास ऑन किया है, इंसेंटिव्स दिए हैं। मतलब आप समझिए कि अगर आप मतलब ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो चीजों को, तो गवर्नमेंट बोलता है कि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देता है कि आपको कस्टम्स ड्यूटी में आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा, या अगर आप कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप काम कर रहे हो तो आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, सब्सिडीज मिलेंगी, ग्रांट मिलेंगी। तो आप समझिए ये ऑब्वियसली ये जो ग्रांट इंसेंटिव सब्सिडीज होते हैं अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल करोगे तो सबको मिलेगा। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। तो इसीलिए ये जो सब्सिडीज ग्रांट्स है ना, ये आपको क्या करना है, इट इज टू बी व्हाट, डिडक्टेड। या आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ऑब्वियसली इफ इट इज नॉट रिड्यूस फ्रॉम द परचेस कॉस्ट। तो अगर आपको परचेस करते वक्त अगर आपको सब्सिडीज, आपको ग्रांट्स या इंसेंटिव्स मिला है, आपको कुछ सहूलियत आपको मिली है, कुछ बेनिफिट आपको मिला है, तो इट इज टू बी व्हाट, रिड्यूस्ड। बहुत शानदार। अब बात करते हैं आगे, अब रोड टैक्स एंड टोल टैक्स। अब रोड टैक्स टोल टैक्स बताइए मुझे, ये आपका परचेस कॉस्ट बढ़ाएगा या कम करेगा? रोड टैक्स या तो आप किसकी बात करेंगे, टोल टैक्स की, आपका ये खर्चा बढ़ाएगा या कम करेगा? तो रोड टैक्स या टोल टैक्स की जब बात करते हैं तो ये ऑब्वियसली आपका खर्चा बढ़ाएगा, एंड देयरफॉर इट इज व्हाट टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेस। सिंपल सी बात है सर। सो यहां पे आप क्या करेंगे, इस रोड टैक्स और टोल टैक्स को आपने क्या करना है, इसको आपने इंक्लूड कर देना है। समरी बनाते जा रहे हैं अपन। परचेस कॉस्ट में से ट्रेड डिस्काउंट आपने क्या करना है, इट इज नॉट रिड्यूस्ड, तो आपने इसको डिडक्ट करना है। क्वांटिटी डिस्काउंट आपने रिड्यूस करना है इफ इट इज नॉट रिड्यूस्ड, बट कैश डिस्काउंट को आपने रिड्यूस नहीं करना है। सब्सिडीज ग्रांट्स इंसेंटिव्स को आपने रिड्यूस करना है। टोल टैक्स बराबर या रोड टैक्स, ये सब लोग पे करते हैं, सबका खर्चा है ये, आपने इसको ऐड करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक बहुत ही मजेदार चीज की, एफ जी, जो अब बात करेंगे हम लोग टैक्सेस के बारे में, जो है जीएसटी अपना। सो यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो अपना आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। सुनने में आया है कि अब आप बहुत 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 टैक्स में एक्सपर्ट हो गए हो, बराबर कि नहीं सर? ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, आप जो है ना टैक्स में क्या हो गए हो, बहुत सारा आप एक्सपर्ट हो गए हो। सो अब देखेंगे, आप जब बात करते हो जीएसटी की, मतलब ये टैक्सेस की, जीएसटी मतलब ही अपन क्या कहते हैं सर, जीएसटी मतलब ही हम लोग कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट, द इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी माने क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जैसे जीएसटी के अलग अलग बच्चे हैं अपने, कौन से आई जी एस टी है, सी जी एस टी है और एस जी एस टी है, एस जी एस टी है, बराबर के नहीं? अब इसमें दो बातें होती है, इसमें दो बातें होती है, वो दो बातें कौन सी होती है, यहां पे दो बातें होती है कि इन सब का आपको एक तो क्या कहते हैं, आपको क्रेडिट अवेलेबल है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, या तो हम लोग यहां पे क्या कहते हैं, यहां पे हम लोग कहते हैं क्रेडिट नॉट अवेलेबल, या तो अपन क्या कहते हैं, क्रेडिट इज व्हाट, नॉट अवेलेबल। दो बातें होती है। सो एक तो क्रेडिट अवेलेबल है या तो क्रेडिट नॉट अवेलेबल है। बहुत सही है सर। तो अब क्या होता है ना, क्रेडिट अवेलेबल है, क्रेडिट अवेलेबल है, तो बताइए, चलो आप फास्ट ट्रैक में है, रिमेंबर आपने बताना है, आप रिविजन बैच में हो, आपको बताना है, अगर आपको जीएसटी का, सीजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है तो आपने इस टैक्स को खर्चे में जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, आप समझिए, कुछ चीजें आप परचेस करते हो, समझ रहे बात को, आप कुछ चीजें परचेस करते हो, और जब आपने कुछ चीजें परचेस करी है उसके ऊपर का जीएसटी का क्रेडिट आपको मिलता है, तो बताइए क्या वो जीएसटी का जो आपने पैसा दिया है, क्या उसको खर्चे में जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? तो आपने इसको क्या करना चाहिए, अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, इट इज नॉट टू बी एडेड, नॉट टू बी एडेड। अब आप ये पूछेंगे कि आप सर क्यों ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आप समझिए ना, अगर मैंने कोई चीज, मान लो मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, बराबर, इसके ऊपर मैंने जीएसटी, मान लो 10,000 रुपए मैंने जीएसटी पे किया है, मैंने आपसे जीएसटी कलेक्ट किया है 20,000 रुपए का, मुझे सरकार को देना है 20,000, बट ये फोन खरीदने के लिए मैंने ऑलरेडी 10,000 रुपए क्या किया है, मैंने पे किया है, तो मैं सरकार को नेट नेट कितना देगा, 10,000 ही देगा।
तो मतलब इसके ऊपर का जो 10,000 जो जीएसटी है वो ऑलरेडी मैंने आपसे वसूल कर लिया है ना, तो मेरे को ये 10,000 का खर्चा लगा ही नहीं ना, मेरे को ये 10,000 का खर्चा लगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस जीएसटी को हम लोग खर्चे में गिनते नहीं है, नॉट टू बी एडेड और नॉट टू बी कंसिडर्ड इन द कॉस्ट। बट सेम वे में जब मुझे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मुझे अगर ये क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, अगर मुझे क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, इफ आई डोंट गेट द क्रेडिट, सो देन ऑब्वियसली इट इज माय कॉस्ट। लाइक नॉर्मल पर्सन, मेरे लिए क्या हो जाएगा, अब देखो ना मैं लिख के बताता हूं। जैसे मैंने अगर मान लो 1,00,000 रुपए का मैंने लैपटॉप पे किया, लैपटॉप खरीदा मैंने, तो ये आपका जो है ये बेसिक है, और उसके ऊपर मैंने 18,000 रुपीज का मैंने जीएसटी पे किया है। अब यहां पर दो बातें होगी, एक तो मुझे यहां पर क्रेडिट मिलेगा या तो क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अब अगर इस 18,000 का क्रेडिट मुझे मिल रहा है और मुझे मैंने आपसे 20,000 रुपीज का जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है, मैंने आपसे जीएसटी कलेक्ट किया है, तो मैं सरकार को क्या करता हूं, ये 18,000 रुपीज का मैं क्रेडिट लेके सरकार को सिर्फ ऊपर का 2,000 ही मैं क्या करता हूं, मैं पे करता हूं। मतलब जो ये 18,000 जो मैंने पे किया था, वो 18,000 मेरा रिकवर हो गया है ना, वो रिकवर मैंने आपसे कर लिया है ना एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मेरा ये 18,000 कभी मेरे पॉकेट से गया ही नहीं, ये मेरे पॉकेट से कभी गया ही नहीं, और अगर गया है तो मैंने आपसे उसको लेके मैंने सरकार को दे दिया ना, मतलब मेरे को मेरा पैसा आ गया ना 18,000 का। सो दैट वॉज नेवर माई कॉस्ट, दैट वॉज नेवर माई कॉस्ट। सो इसीलिए क्या हो गया यहां पे, दैट वॉज नेवर माई कॉस्ट। सो देयरफॉर क्या हो गया, 18,000 का जब क्रेडिट मुझे मिलता है, 18,000 का क्रेडिट मुझे मिलता है, मेरे लिए सिर्फ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,00,000 रुपीज। आई बात समझ में, बट मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलता है, मुझे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा यहां पे, 18,000 का क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो मेरे लिए खर्चा कितना हो जाएगा, 1,18,000 रुपए। आर वी गुड नाउ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? सो दिस गोज फॉर ऑल द टैक्सेस, दिस गोज फॉर ऑल द टैक्सेस, फिर चाहे वो आपका कौन सा हो, चाहे वो आपका IGST हो, CGST हो या SGST हो। अगर वो क्रेडिट अवेलेबल है, नॉट टू बी एडेड, क्रेडिट नॉट अवेलेबल, क्या बोलेंगे इसको, टू बी एडेड इन द कॉस्ट। बच्चों क्या आपको टैक्स वाला, इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला मामला आपको समझ में आ गया क्या, बोलिए फटाफट, सबको बोलना पड़ेगा, क्या आपको ये टैक्स वाला मामला समझ में आ गया आपको? यस, इजी है, GH। अब नेक्स्ट खर्चे की बात करेंगे, नेक्स्ट खर्चा अपना क्या बोलता है, चल नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, यस वेरी इजी। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन बातचीत करते हैं किसके बारे में, CGST होने के बाद अब बात करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी की। किसकी बात करेंगे बच्चे, अब बात करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी मतलब कौन सी है, जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, हम लोग परचेस करते हैं, बराबर, ये अपन बात कर रहे हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, बराबर। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इंपोर्ट ड्यूटी, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इंपोर्ट ड्यूटी। अब देखो परचेस करेंगे मतलब हम लोग बाहर से कुछ चीजें इंडिया में लेके आएंगे, मतलब ये अपना इंडिया है भाई, ये इंडिया है, ऐसा नहीं है सर, हाँ ये ऐसा है, ये श्रीलंका की वजह से समझ जाना। अब यहां से हम लोग कुछ अंदर लेके आए, मतलब ही हमने क्या किया बॉस, मतलब ही हमने क्या किया, कुछ परचेस किया, और जब इंडिया में हम लोग कुछ चीजें परचेस करते हैं तो इसके ऊपर इंपोर्ट करने के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से जाने जाते हैं इसको। तो ऑब्वियसली परचेस कॉस्ट के साथ साथ आपको इंपोर्ट ड्यूटी एडिशनल आपको पे करना पड़ता है, ओवर एंड अबाव आपको परचेस प्राइस आपको पे करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटी जब आप पे करते हो तो ऑब्वियसली इट इज व्हाट टू बी एडेड इन योर कॉस्ट। सो बच्चा जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंपोर्ट ड्यूटी इतनी इतनी लगी है, तो क्या करेंगे इसको अपन, इंपोर्ट ड्यूटी को बताइए क्या हो जाएगा। सो इंपोर्ट ड्यूटी इज टू बी व्हाट, एडेड इन द कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? यस, एडेड। अब आप समझिए बात को, जीएसटी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, इनमें एक बात आपको ध्यान में रखना है, जीएसटी ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज होता है ऑन व्हाट वैल्यू। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ये जो चार्ज होता है, ये कैसे चार्ज होता है, ऑन वैल्यू, क्योंकि इसको ही क्या बोलते हैं, एड वैलोरम, क्या बोलते हैं इसको, एड वैलोरम, दैट इज एट वैल्यू। सो रिमेंबर, जब भी आपको एग्जाम में आपको दिया जाता है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं कि ये प्रोडक्ट है, बराबर,
इसका मतलब एक ए और बी दो प्रोडक्ट है, एक का परचेस प्राइस उतना है, बी का प्राइस उतना है, और दोनों पे मिला के हमने जीएसटी इतना पे किया है, तो आप अभी इसको स्प्लिट कैसे करोगे? सो इट शुड बी स्प्लिट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी, बट इट इज टू बी स्प्लिट बेस्ड ऑन वॉट द वैल्यू. सो रिमेंबर दैट कि आपकी जो टैक्सेस है, आई बात समझ में आपको, आपके जो टैक्सेस है ये किस पे लगते हैं? इट इज ऑन वॉट वैल्यू, बराबर. तो चाहे वो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपके जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी हो, या आपका कस्टम्स ड्यूटी हो, दीज आर चार्ज ऑन वॉट वैल्यू. यहां तक एकदम सही है, बराबर, एकदम बढ़िया है. अब बात करते हैं डीमरेज. पहले समझेंगे डीमरेज किसे कहते हैं. डीमरेज मतलब क्या होता है, आप क्या कहते हैं? डीमरेज मतलब क्या कहता है, वॉट इज डीमरेज? एकदम आराम से, प्यार से, मन लगा के, वॉट इज डीमरेज? डीमरेज किसे कहते हैं? डीमरेज, अब जैसे क्या होता है, ये आपकी गाड़ी है, एक नंबर गाड़ी है आपकी, देखो सर बना रही है आपकी, ये आपकी गाड़ी है, बराबर. अब इसमें क्या होता है ना, आप क्या करते हो, मटेरियल को लोड करते हो और मटेरियल को अनलोड करते हो. सो मटेरियल का लोडिंग होता है और मटेरियल का अनलोडिंग होता है. बट अब आप एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के लिए, वो गाड़ी आती है ना आपकी, वो जो टेम्पो है उसका एक टाइम पीरियड के लिए होता है ना कि साहब ये गाड़ी 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के अवेलेबल होगा आपको. बट अब क्या किया आपने कि मालिक आपने इसमें क्या कर दिया, डीले कर दिया. अब डीले कर दिया तो भाई वो क्या करेगा आपको, डीले कर दिया तो वो आपको पेनल्टी लगाएगा, वो आपसे क्या करेगा, एक्स्ट्रा भाड़ा, एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे मांगेगा वो. तो जो ये पेनल्टी जो लगती है, बराबर, इस पेनल्टी को क्या नाम देते हैं हम लोग, ये डीले होने के वजह से जो पेनल्टी लगती है, उस पेनल्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डीमरेज. एंड अब मुझे बताइए, अब ये जो डीमरेज है, ये नॉर्मल खर्चा है कि अब नॉर्मल खर्चा है? ये नॉर्मल खर्चा है कि अब नॉर्मल खर्चा है? ये अब नॉर्मल है, सबको थोड़ी पेनल्टी लगता है, ये हम लोग तो नॉर्मल कॉस्ट जोड़ेंगे. अब ये जो सर खर्चा लगा है तो भाई उसको कॉस्टिंग पीएनएल में जोड़ना, अब नॉर्मल कॉस्ट जो है ना, कॉस्टिंग पीएनएल में जोड़ इसको. अब समझ में आएगा जो मैं बातें बोल रहा हूं, कि ये जो खर्चा है कॉस्टिंग पीएनएल में जोड़ना है आपने, अभी थोड़ी जोड़ना है इसको. तो भाई मेरे, ये पेनल्टी जो है, इट इज टू बी व्हाट, क्या करेंगे इसको, इसको क्या करना है आपने को, इट इज नॉट टू बी एडेड, इट इज नॉट टू बी एडेड, नॉट टू बी एडेड, इट इज व्हाट, नॉट टू बी एडेड. क्लियर है एकदम बात? बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं. सो इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. सेम वे में जब आपकी ये और पेनल्टी लगती है और फाइन लगता है आपको, ये कौन सा, डिटेंशन चार्जेस फाइन, बराबर. इट इज इम्पोज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल बाय एनी स्टैच्यूटरी ऑथोरिटी. सो अगेन इट इज एन अबनॉर्मल कॉस्ट विच इज नॉट टू बी एडेड, एंड एनी टाइप ऑफ पेनल्टी इज नॉट टू बी एडेड. सो यहां पर डीमरेज तो क्या है, मतलब आपको समझ में आया, जी एच आई जे. सो अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, कौन सा अपने को बात हुई थी अपनी यहां पर, डिटेंशन चार्जेस और फाइन. डिटेंशन चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस, या तो आपको फाइन. तो डिटेंशन चार्जेस मतलब आपने गुड्स को मान लो इंपोर्ट कर लिया और उसके ऊपर की कस्टम्स ड्यूटी आपको पे करनी थी, आपने नहीं करी, तो आपके गुड्स हम लोग वेयर हाउस में जब्त कर लेंगे, हम लोग आपके गुड्स क्या कर लेंगे, हम लोग सीज कर लेंगे. तो अगर आपको गुड्स को छुड़ाने हैं, आप कस्टम्स ड्यूटी तो भरिए भरिए, बट उसके ऊपर आपको फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे. तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ नॉर्मल फीचर, तो आपने क्या करना है, आपने इसको आपके खर्चे में नहीं जोड़ना है. सेम वे में एनी अदर टाइप ऑफ पेनल्टी जो आपको लगती है, सेम वे में एनी अदर टाइप ऑफ पेनल्टी, टाइप ऑफ पेनल्टी जो आपको लगती है, एनी अदर टाइप ऑफ पेनल्टी, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऐड करना है नहीं करना है. सो इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, नॉट टू बी इंक्लूडेड. यहां तक बात समझ में आई आपको? तो 10 पॉइंट हो गए, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं. रिमेंबर ये क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर के लिए पूछा जाता है, विच टॉक्स अबाउट वॉट, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स. आई बिलीव इट्स गुड नाउ, है ना, एकदम मजा आ रहा है सर. डिटेंशन चार्जेस, फाइन, पेनल्टी. अब उसके बाद बात करते हैं अबाउट वॉट, इंश्योरेंस. हम लोग जब गुड्स को मंगवाते हैं, जी एच आई जे, अब बात करेंगे किसकी, तो अब बात करेंगे के. सो अब बात करेंगे किसके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में. तो आपको जरा इसके ऊपर एकदम अच्छे से ध्यान देना है, इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे. सो मेरा बच्चा ध्यान से सुनना, इफ इट इज पेड बाय बायर, पेड बाय बायर, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ इट इज पेड बाय बायर, तो ऑब्वियसली बात है इट इज टू बी व्हाट, एडेड टू द कॉस्ट. क्या बोल रहे, इसमें तो कोई कोई डाउट ही नहीं है. अगर ये इंश्योरेंस है
और ये हमने पे किया है बराबर, तो इट इज टू बी एडेड टू द कॉस्ट, बराबर कि नहीं? इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? नहीं, एकदम सही बात है। यस, अब इसके अंदर एक है ना, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है, एक बहुत बढ़िया सा एक वेरिएशन आता है इसके अंदर, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन आता है। अब क्या हुआ, यहां पे आप देख रहे हो ये गाड़ी है बराबर, और यहां से आपका ये, आपका मान लो ये जो सप्लायर है बराबर, ये सप्लायर की दुकान है यहां पे, ये सप्लायर है मित्रों, ये क्या है यहां पे, सप्लायर है। अब ये सप्लायर के शॉप से ये गाड़ी निकली, तो ऑब्वियसली हमने क्या किया, इसका इंश्योरेंस हमने निकाला, और ये इंश्योरेंस का भुगतान किसने किया? तो सर ये इंश्योरेंस का भुगतान किया है किसने? बायर ने। अब यहां से ये गाड़ी आपकी क्या हो गई, ये गाड़ी आपकी निकली, ये निकला और गड्डी लेके बराबर के नहीं, आप दिख रहे हैं यहां पे ये गाड़ी आ गई यहां पे। तो थ्रू आउट ये जर्नी क्या था, ये थ्रू आउट ये जर्नी, ये गुड्स क्या थे अपने दोस्तों, थ्रू आउट दिस जर्नी द गुड्स वर व्हाट इंश्योर्ड। इसमें कोई डिफिकल्टी है आपको? नहीं सर, वापस गाड़ी को भेजते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? अरे पहिए रह गए पीछे सर, ओके चलो वापस आ गए, वापस आ गए। तो यहाँ पे ये इंश्योरेंस क्या हो गया, ये बायर ने इंश्योरेंस पे किया, इसको अपन ऐड करते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये जो बायर है, ये बायर जो है इसके डोर स्टेप पे ये पहुंच गए, मतलब इसके वेयर हाउस में ये पहुंच गए। अब यहाँ पे एक चिंटू जो है ना, जो कौन है यहाँ पे, स्टोर कीपर है, जो ये स्टोर कीपर है ये इन गुड्स को देखता है, इन गुड्स को देखता है और बोलता है कि भाई ये जो गुड्स है ना, कुछ गुड्स है ना, ये गुड्स जो है ना ये डिफेक्टिव है, ये गुड्स क्या है, ये डिफेक्टिव है बराबर, और इसीलिए वो बोलता है कि इन गुड्स को अब हमें क्या करना है, इन गुड्स को हमें रिटर्न करना है, इन्हें वापस भेजना है। तो जब ये गुड्स रिटर्न हो जाएंगे यहाँ पे, तो आप समझिए बात को, जब ये गुड्स यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे बराबर, तो अब यहां पे ये गुड्स क्या करें, अपन ने रिटर्न करें, तो ऑब्वियसली यहां पे हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे। अब सवाल ये आता है कि सर, अब मान लो हमने यहां पे 2000 क्वांटिटी हमने परचेस करी है और यहां पे हमने 500 यूनिट्स हम लोग ने रिटर्न करे हैं, इसके ऊपर का इंश्योरेंस जो है हमने कितना पे किया है, लेटेस्ट से हम लोग ने इंश्योरेंस 4000 रुपीज का हमने इंश्योरेंस पे किया है। तो अब जब ये रिटर्न हो गए 500, तो सर हम लोग कॉस्ट में कितना जोड़ेंगे? सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज, मित्रों एक बहुत ही बढ़िया और शानदार सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मच कॉस्ट इज टू बी एडेड ऑफ इंश्योरेंस, हाउ मच कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, हाउ मच कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज टू बी एडेड, बताइए हाउ मच कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज टू बी एडेड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। चलो जवाब देना होगा, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, 2000 गुड्स के लिए 4000 का इंश्योरेंस हमने लिया था, उसमें के 500 हमने रिटर्न कर दिए हैं बराबर, अब वो रिटर्न आ रहे हैं, हमने 4000 का इंश्योरेंस पे किया है, अब 500 रिटर्न आ गए, तो हमने कितना इंश्योरेंस के लिए खर्चा हमने बुक करना चाहिए, कितना बुक करना चाहिए, कितना खर्चा बुक करना चाहिए? सो बताइए मुझे, ऑप्शन ए जो है सर पूरा 4000 रुपीज बराबर, ऑप्शन बी जो है तो कितना होगा यहां पे, तो 2 रुपए, तो ऑप्शन बी जो है यहां पे 3000 रुपीज, ऑप्शन सी सर ऑब्वियसली 1500 के लिए 3000 लग रहा है तो 3000 रुपीज, ऑप्शन सी इज 1000 रुपीज, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नो को सर जाने दो ऐसा एमसीक्यू नहीं है सर, ये 3 ऑप्शन दीजिएगा। सो व्हाट्स द आंसर, 4000, 3000 और 1000, कितना हम लोग इंश्योरेंस बेयर करेंगे, कम ऑन, तो वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी विथ योर आंसर। सो यहां पे हम लोग को जो बुक करना है इंश्योरेंस वो होगा कितना, 4000। भाई आपका इंश्योरेंस तो कवर्ड था ना, आपने उतना पे, इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसा वापस देने वाली है क्या? अब आप रिटर्न करो या मत करो, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, भाई यहां से यहां तक लाने के लिए तेरा रिस्क कवर्ड था ना, हमने रिस्क तेरा कवर करा के नहीं करा, सच्ची बोल, झूठ मत बोल, सच्ची बोल, कवर था के नहीं था तेरा कवर? हाँ सर कवर था, तो भाई तू ऐसा वापस से तू रिटर्न भी करेगा ना, तो भी तेरा इतना इंश्योरेंस का खर्चा लगेगा। सो इसीलिए यहाँ पे ये एक बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही नेक्स्ट लेवल एडजस्टमेंट है जो है 4000 रुपीज का, क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे आपको इंश्योरेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी पार्ट आपको आ सकते हैं। ओके ओके, सो ये हो गया दोस्तों इंश्योरेंस के बारे में। बच्चों क्लैरिटी मिल रहा है क्या, कॉन्सेप्ट ईजी लग रहा है क्या,
बहुत शानदार। बात करते आगे, अभी बात करते कमीशन ब्रोकरेज पेड। भाई प्रोक्योरमेंट करने के लिए JKL कमीशन या ब्रोकरेज आपने पे किया है, गुड्स एंड सर्विसेज को आपने प्रोक्योर करने के लिए आपने क्या किया है, आपने कमीशन या ब्रोकरेज पेड आपने पे किया है, तो ऑब्वियसली इट इज टू बी व्हाट, एडेड इन द कॉस्ट, एडेड इन कॉस्ट। आपने कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज आपने पे किया है, दोस कमीशन एंड ब्रोकरेज इज टू बी व्हाट, एडेड इन द कॉस्ट। आर वी गुड? यस सर। फिर उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेट इनवर्ड्स। व्हाट इज फ्रेट इनवर्ड्स? रिमेंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, फ्रेट इनवर्ड इट्स अ डायरेक्ट एसोसिएटेड कॉस्ट। सो जब फ्रेट इनवर्ड की बात करते हैं, तो हम लोग जब मटेरियल लाने के लिए जो टेम्पो का भाड़ा देते हैं ना, ये जो इसका पैसा देते हैं ना, बराबर के नहीं, सो ये जो फ्रेट हम लोग पे करते हैं, इसको भूलना नहीं, जो ये फ्रेट इनवर्ड है मटेरियल लाने के लिए, मटेरियल लाने के लिए हमने जो फ्रेट पे किया है, तो अगेन इट इज व्हाट, एडेड इन द कॉस्ट। सर सिंपल सी बात है सर, नो चैलेंज एट ऑल, एडेड इन कॉस्ट। सर पता नहीं आज ये टॉपिक बहुत ईजी लग रहा है, ऐसे कैसे सर, बस यही मैजिक है, जादू का जादू है। सो फ्रेट इनवर्ड इट इज व्हाट, एडेड इन कॉस्ट। क्लियर है एकदम बात? यस सर। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात क्या बोलता है, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स की। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। सो अब LMN की बात करेंगे, N की बात करेंगे, अब बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। कॉस्ट ऑफ कंटेनर मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स मतलब क्या है, जो एम्प्टीज होता है, मतलब जो खाली कंटेनर है, मतलब आप समझिए बात को, आपने जो है ना, ये आपने मान लो, ये आपने इसके अंदर आपका कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कंटेंट पी लिया, अब ये जो बॉटल है, ये बॉटल आपका क्या करना है, अब आपको इस बॉटल का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप रिटर्न भी कर सकते हो, इसका आपको पैसा मिलेगा। आई बात समझ में? सो कॉस्ट ऑफ कंटेनर की जब बात करते हैं, तो इसमें दो ऑप्शंस आ जाते हैं अपने पास। कौन से दो ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे? तो ये जो कंटेनर की बात होती है ना, बराबर, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, तो रिमेंबर यहाँ पे अपन बात करते हैं रिटर्नेबल एंड नॉन रिटर्नेबल, रिटर्नेबल एंड क्या कहते हैं, नॉन रिटर्नेबल। अगर ये खर्चा नॉन रिटर्नेबल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फुल अमाउंट इज वॉट, एडेड इन कॉस्ट। फुल अमाउंट इज वॉट, एडेड इन कॉस्ट। फुल अमाउंट एडेड इन कॉस्ट, फुल अमाउंट इज वॉट, एडेड इन कॉस्ट। अबाउट वॉट, द फुल अमाउंट ऑफ कंटेनर इज एडेड इन कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? फुल अमाउंट इज वॉट, एडेड इन कॉस्ट। अगर ये नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है, अगर ये कौन सा कंटेनर है, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है, सो मेरा बच्चा फुल अमाउंट इज व्हाट, एडेड इन द कॉस्ट। फुल अमाउंट इज एडेड इन द कॉस्ट, फुल अमाउंट इज एडेड इन द कॉस्ट, बराबर। अब ये रिटर्नेबल है, अब कौन सा कंटेनर की बात हो रही है यहाँ पे, तो बेबी यहाँ पे बात हो रही है कौन सा कंटेनर, तो रिटर्नेबल कंटेनर की बात होती है। सो अब रिटर्नेबल है, तो अब आप समझिए बात को, यहाँ पे दो अमाउंट है, क्या हो जाएगा, एक तो फुल अमाउंट इज रिफंडेड, फुल अमाउंट इज रिफंडेड, फुल अमाउंट रिफंडेड, फुल अमाउंट रिफंडेड, या तो अपन क्या कहते हैं, पार्शियल अमाउंट इज रिफंडेड, पार्शियल अमाउंट इज रिफंडेड, पार्शियल अमाउंट इज रिफंडेड। आई बात समझ में? एक तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा पैसा आपको दे देंगे, या तो आपको आधा पैसा देंगे। आई बात समझ में? सो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर आपको फुल अमाउंट रिफंड कर दिया है, so nothing is to be added in the cost, nothing is to be added in cost, nothing is to be added in cost। आई बात समझ में? क्योंकि कंटेनर का मतलब nothing is to be, मतलब कंटेनर का कुछ भी पैसा आपने एड नहीं करना है। आई बात समझ में आपको? क्योंकि आपको कंटेनर का पूरा पैसा आपको मिल चुका है ना, तो आपने कुछ भी खर्चा नहीं उठाया ना, तो nothing is to be added in the cost। क्लियर एकदम बात? नथिंग इज टू बी एडेड इन द कॉस्ट। बट अब पार्शियल अमाउंट इज रिफंडेड, मतलब क्या हो जाएगा, तो यहां पे द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड इज व्हाट, एडेड इन कॉस्ट। अमाउंट नॉट रिसीव्ड इज एडेड इन व्हाट, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड इज एडेड इन कॉस्ट। इजी लग रहा है इसको? So, क्या हो गया यहां पे, रिटर्नेबल कंटेनर है एंड नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है, बराबर के नहीं। सो अगर ये नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है,
बराबर भाई, वो रिटर्न होगा ही नहीं, तो उसका कंटेनर का जो भी खर्चा है वो अपने माथे आएगा, खलास हो गई बात। बट अगर ये रिटर्नेबल कंटेनर है तो उसकी दो बातें होगी, एक तो आपको पूरा पैसा वो कंटेनर का आएगा या तो आधा पैसा आएगा। अगर पूरा पैसा आपको आता है तो आपका खर्चे में कुछ भी नहीं आएगा, बट अगर आधा ही पैसा मिला है तो जो बचा हुआ आपको नहीं मिला है सिर्फ वही अपना कॉस्ट होगा। आई बात समझ में आपको? यस। यहां पे मेरे बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। रिटर्न ऑफ कंटेनर इज डिफरेंट फ्रॉम रिजेक्शन ऑफ कंटेनर, इज डिफरेंट फ्रॉम रिजेक्शन ऑफ कंटेनर। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आया? रिटर्न ऑफ कंटेनर इज डिफरेंट फ्रॉम रिजेक्शन ऑफ कंटेनर। अगर हमने कंटेनर को रिजेक्ट किया ना, आई बात समझ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप हमें कितना पैसा रिटर्न कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हम जब रिजेक्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें आपका हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए। सो एग्जाम में आपने बहुत ही ज्यादा केयरफुली आपने स्टडी करना है कि भाई आपको रिटर्न बोला है या आपको रिजेक्शन बोला है, बिकॉज ये दोनों बातें डिफरेंट है। क्या ये बात आपके बॉडी के अंदर गई क्या? डिड यू अंडरस्टैंड कि रिटर्न और रिजेक्शन इन दोनों में फर्क है? आई बात समझ में आपको? क्लियर है क्या? चलो बताओ, रिटर्न ऑफ कंटेनर एंड रिजेक्शन ऑफ कंटेनर। सो रिजेक्शन में यू विल गेट द एंटायर अमाउंट, बराबर कि नहीं? रिजेक्शन में यू विल गेट व्हाट द एंटायर अमाउंट, रिजेक्शन में आपको फुल अमाउंट ऑफ कंटेनर अलोंग विथ द कॉस्ट ऑफ गुड्स, बराबर के नहीं, इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट, इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, सही है ना एकदम? सो क्या कहता है यहां पे अपन? सो फुल अमाउंट ऑफ कंटेनर अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो भी हमको रिटर्न मिल सकता है वो सारा पैसा क्या हो जाएगा, अपने को माइनस करना होगा फ्रॉम द कॉस्ट। क्लियर एकदम? यस। सो पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड इज वॉट, रिटर्न एंड रिजेक्शन आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्लियर है? अब बात करते हैं शॉर्टेज की, लास्ट पॉइंट। चलो लास्ट पॉइंट अभी बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, लास्ट पॉइंट अभी बात करेंगे JKLMNO। सो यहां पे अब ओ पॉइंट की बात करेंगे। आई बात समझ में? ओ पॉइंट की बात करेंगे, वो क्या होता है? यहां पे अपन बात करते हैं शॉर्टेज की। तो एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के आपने समझना है शॉर्टेज। तो शॉर्टेज की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टेज के लिए? सो शॉर्टेज की दो बातें होती है, बराबर? तो शॉर्टेज में दो बातें क्या कहेंगे अपन? एक तो बिकॉज ऑफ, कम ऑन टेल मी, एक तो शॉर्टेज जो होता है बिकॉज ऑफ व्हाट? नॉर्मल रीजंस होता है एक शॉर्टेज, नॉर्मल रीजंस। और दूसरा जो शॉर्टेज है वो किसके वजह से है? एबनॉर्मल रीजंस के वजह से है। एक जो बात कर रहे हैं शॉर्टेज बिकॉज ऑफ नॉर्मल रीजंस, और दूसरा है अबनॉर्मल रीजंस। सो मुझे क्या आप लोग बता सकते हैं कि अगर नॉर्मल रीजंस के वजह से शॉर्टेज है तो क्या हो जाएगा? द कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्या कहते हैं शॉर्टेज में नॉर्मल गुड्स का अगर है तो क्या हो जाएगा? द कॉस्ट ऑफ बैड गुड्स, द कॉस्ट ऑफ बैड गुड्स विल बी एब्सॉर्ब्ड, द कॉस्ट ऑफ बैड यूनिट्स, जो अपन ने वर्डिंग्स लिखे थे उसको फोकस करते हैं, द कॉस्ट ऑफ बैड यूनिट्स विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय विच गुड्स, बाय गुड यूनिट्स। सही बात है ना? मतलब अपना पर यूनिट कॉस्ट इन्फ्लेटेड दिखेगा। यहां तक बात सिंपल है क्या? मतलब अपना जो कॉस्ट है वो कैसा दिखेगा दोस्तों? इट विल बी व्हाट? इन्फ्लेटेड। तो कॉस्ट अपना कैसा दिखेगा दोस्तों? इन्फ्लेटेड दिखेगा। सो द कॉस्ट ऑफ बैड यूनिट्स विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, बराबर के नहीं? एंड यहां पे हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल रीजंस के वजह से है। सो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ बैड यूनिट्स will be ट्रांसफर्ड टू, बताओ कहां जाएगा? ये अबनॉर्मल रीजंस के वजह से जो अपना लॉस हुआ है,
तो ये कहां जाएगा बता सकते हैं? सो इट विल बी ट्रांसफर टू योर फेवरेट अकाउंट दैट इज कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट. सो अबनॉर्मल रीजंस के वजह से जो भी अपना नुकसान हुआ है, आई बात समझ में, इसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट. सो ये बातें आपने फोकस करनी है. आहा वाह 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 सर, मजा आ गयो, मजा आ गयो. तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको 5 नंबर दिलाएगा. ये फास्ट ट्रैक में अपन एकदम ही आराम से मन लगा के पढ़ रहे हैं. तो ये आप समझिए बात को, मजा आ गया सर, मजा आ गया. सो आप समझिए, ये अपना हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल. हाउज दैट, कॉन्फिडेंस है आपको? कॉन्फिडेंस है तो फिर आगे बढ़ेंगे और अब फटाक से इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चल सो क्या आप अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? चलो बोलो, क्या बोलते पब्लिक, क्या बोलते पब्लिक बताइए. बोलो. चलो कॉन्फिडेंस है. सो अब अपन बात करेंगे किसके बारे में. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द क्वेश्चंस. चलो मस्त, अभी मजा आएगा, मजा आएगा भिड़ू. रेडी है क्या दोस्तों आप लोग सब? चलो बोलना पड़ेगा आपको. सो नाउ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे. सो यहां पे अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की. सो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स रॉक. सॉल्यूशन, मजा आ गया. क्या कहता है? एबीसी लिमिटेड दिल्ली परचेज केमिकल्स फ्रॉम वाराणसी. अब ये जो है, ये अपना जो टॉपिक है, ये कौन सा है? ये है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल. जब आपको नोट्स जो मिलेंगी बाद में, इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा बाकी है अभी और, बट जब आपको एक्चुअली मिलेंगी तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको हेडिंग मिल जाएगा. सो ये है आपका किससे रिलेटेड? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल. सो एबीसी केमिकल्स लिमिटेड दिल्ली परचेज केमिकल्स फ्रॉम वाराणसी. इनवॉइस पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोस. केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी, ये आपको परचेज प्राइस दिया है. फिर उसके बाद आपको बोला है जीएसटी. उसके बाद आपको रेलवे फ्रेट दिया हुआ है, बराबर. जो आपको फ्रेट दिया हुआ है ना, यहाँ पे फ्रेट दिख रहा है आपको, फ्रेट इनवर्ट एडेड इन कॉस्ट. यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो लगता है आपको किसके ऊपर लगता है? ऑन क्वांटिटी. फ्रेट किसके ऊपर लगता है? कितना क्वांटिटी आपने ले आ जा किया उसके ऊपर. टैक्सेस जो लगते हैं वो आपको किसके ऊपर लगते हैं? वो आपको वैल्यू पे लगते हैं. सो रिमेंबर, यहाँ पे जीएसटी, ये आपको कैसा लगेगा? जीएसटी इज ऑन वॉट? वैल्यू. एंड रेलवे फ्रेट इज ऑन वॉट? ऑन क्वांटिटी. आई बात समझ में? अब बात करते हैं अदर पर्टिकुलर्स आर. ट्रांजिट लॉस केमिकल ए बी सी. ट्रांजिट लॉस आपका हुआ है 200, 280, 100 किलो. कार्टेज पेड इज वॉट? 270, 650 and 325. हैंडलिंग कॉस्ट इज 10 पैसे पर केजी. अ प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन इज टू बी मेड एट 5%. डिटोरिएशन का प्रोविजन करना है आपको. क्या करना है? कैलकुलेट द रेट ऑफ प्राइसिंग ऑफ द केमिकल्स. पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन जीएसटी. आपको क्या बोला है? नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल. नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन जीएसटी. जीएसटी का क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं है. सही है? तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या दोस्तों? चलो लेट्स सॉल्व वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो कैसे सॉल्व करेंगे? सो आपको क्या चाहिए? कैलकुलेट द रेट ऑफ प्राइसिंग ऑफ द केमिकल्स. तो आपको टोटल प्राइस निकालना है इसका, बराबर है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट अपन अभी बात करेंगे किसके बारे में. सो अपना वर्किंग नोट नंबर 1, अपने को क्या चाहिए? पहले टोटल कॉस्ट, उसको डिवाइड करेंगे विद टोटल क्वांटिटी, तो आपको मिलेगा रेट या प्राइस अपने को जो मिला पर केजी. अप्रोच एकदम सिंपल है. कैलकुलेट द रेट ऑफ प्राइसिंग. तो आपने क्या करना है यहाँ पे? आपने लेना है टोटल कॉस्ट को. टोटल कॉस्ट को आपने लेना है, बराबर. इस टोटल कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है कितने से? क्वांटिटी से. आपको आपका आंसर मिल जाएगा. आई बात समझ में आपको? यस. चलो क्लियर एकदम? चलो
सो बात करते हैं अबाउट व्हाट, फर्स्ट कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट, टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स फास्ट फास्ट चलो जवाब देंगे, पर्टिकुलर्स कितने केमिकल्स है, केमिकल ए, केमिकल बी एंड बेटा केमिकल सी, सही बात है। सो फर्स्ट पॉइंट जो है यहां पे अपने को परचेज प्राइस, क्या ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है क्या? सो आप सबने बोलना है, जवाब देना है आपने, और आपने कैलकुलेट भी करना है, वर्किंग्स ऑलरेडी करके दे रखी है आपको, 12,600, 19,000, मैं इधर मेरे नोट्स में से देख के बोलता हूं, अब बार बार मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, ठीक है? सो आई लुक इन माई सॉफ्ट कॉपी ओवर ईयर, जो मेरे सामने नोट्स है, और आप क्या करेंगे, आपके बुक में देख के आप कैलकुलेट करेंगे, राइट? यस। सो क्या कहते हैं यहां पे, केमिकल ए का प्राइस कितना है 12,600, केमिकल बी का है 19,000 एंड केमिकल सी का कितना है 9,500, बराबर? ओके। अब बच्चों बात होती है जीएसटी की, सेकंड पॉइंट जीएसटी की। अब वो बोलता है जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो क्या करें भाई, जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो क्या प्रोविजन सीखे थे हम लोग, जीएसटी का क्रेडिट अगर अवेलेबल नहीं होता है तो व्हाट डू वी डू? तो सर सिंपल सी बात है, वी एड इट इनटू व्हाट द कॉस्ट, जीएसटी का क्रेडिट अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वी एड इट इन द कॉस्ट। सो अब आपको जीएसटी एड करना पड़ेगा, बट सर अब रेट नहीं दिया है तो वैल्यू पे दिया है, तो आपको जीएसटी का रेट निकालना पड़ेगा। सो अब मुझे एक बात बताओ, आपको जीएसटी कितना पे किया आपने? सो आपने किया 2055 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल प्राइस, टोटल ये टोटल जीएसटी पे किया ना, 2055 पे आपने कितना किया, 12,600 प्लस 19,000 प्लस 9,500, तो ये कितना आया आपका, सो इट कम्स टू व्हाट 41,100 इंटू आप क्या करेंगे 100% अगर आप इंटू 100 करेंगे, सो आपका जीएसटी का परसेंटेज आएगा कितना 5%, हाउ मच जीएसटी विल यू गेट 5%, वेरी गुड। सो अब आपने वो रेट निकाल लिया, तो अब आपने इसके बेसिस पे अपोर्शन करना है, सो कितना आया आपका 630, चलो गिव मी दी आंसर्स नाउ, 12,600 का 5% 630, दूसरा है कितना 500 एंड बैलेंसिंग फिगर इज हाउ मच बताइए दोस्तों, 630, 950 बराबर एंड लास्ट में कितना 475, सही बात है, 630, 950 एंड 475। अब उसके बाद ये आपको समझ में आ गया कि आपने इसको कैसे निकाला, सो दिस वॉज वॉट मेरा बच्चा ऑन वैल्यू। अब बात करते हैं किसके बारे में, तो अब बात करेंगे फ्रेट के बारे में, एंड फ्रेट आपको सबको पता है इट इज टू बी अपोर्शन बेस्ड ऑन वॉट द क्वांटिटी। सो फ्रेट का वैल्यू आप बताएंगे कितना है दोस्तों, कम ऑन एवरी वन हरी अप, सो वेरी गुड, 300, 500 एंड लास्ट में कितना बोल रहे, 300, 500 एंड 200, सही जा रहे हैं अपन एकदम बराबर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा खर्चा है, रेलवे फ्रेट हो गया, अब नीचे आपको दिया है कार्टेज पे, डायरेक्टली दे रखा है आपने कि केमिकल्स के लिए आपने कितना कार्टेज पे किया है, सो कार्टेज पे एज इट इज स्ट्रेट वे आप ऐड कर देंगे, दैट इज हाउ मच 270, 650 एंड कितना है 325, सो दिस इज द कार्टेज पे। अब उसके बाद अपन बात करते हैं ABCDE, अब बात करते हैं किसके बारे में, हैंडलिंग चार्जेस, हैंडलिंग कॉस्ट। सो अब ध्यान से सुनना, हैंडलिंग कॉस्ट, अब हैंडलिंग कॉस्ट कितना होगा, एकदम आराम से, हैंडलिंग कॉस्ट आपको कितना दिया है यहां पे, 10 पैसा 10 पैसा 10 पैसा, बट अब आप समझिए बात को, हैंडलिंग कॉस्ट जो है, मटेरियल हैंडलिंग का जो कॉस्ट है, अब इसमें दिमाग लगाना, इसमें लॉजिक लगाना, अब ये 10 पैसा per kg सर कौन से क्वांटिटी पे लगाए, यही हम लोग क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं यही अपने को सीखने मिलता है। तो हम लोग ये जो है ना सर, ये हम लोग जब हैंडलिंग कॉस्ट है ये कौन से क्वांटिटी पे लगाए, सर हम लोग जो इनवॉइस्ड क्वांटिटी है ये कौन सी क्वांटिटी है बबी, ये कौन सा क्वांटिटी है, तो ये है सर जी कौन सा क्वांटिटी, इनवॉइस्ड क्वांटिटी बराबर, फिर एक क्वांटिटी अपना आएगा कौन सा, इनवॉइस्ड क्वांटिटी, इनवॉइस्ड क्वांटिटी माइनस लॉस बराबर। तो भाई ऑप्शन ए ऑप्शन बी,
ये कौन से क्वांटिटी पे लगाए, ये कौन से क्वांटिटी पे लगाए, इनवॉइस क्वांटिटी या इनवॉइस क्वांटिटी माइनस लॉस जो अपना रिमेनिंग क्वांटिटी है, जो बैलेंस क्वांटिटी, या तो अपन क्या बोलेंगे द क्वांटिटी रिसीव्ड, क्वांटिटी रिसीव्ड, बराबर कि नहीं सर? कौन से क्वांटिटी पे हमने यहां पे ये जो खर्चा है हैंडलिंग का ये लगाना है सर? ये कौन सा खर्चा है सर? कैसे लगाए सर, इनवॉइस क्वांटिटी या क्वांटिटी रिसीव्ड? तो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, जब ये आपको दिख रहा है हैंडलिंग कॉस्ट, तो हैंडलिंग मतलब क्या है? हमाली चार्जेस या हमाली जो आप देते हो भाई, वो उसने मटेरियल चढ़ाया, उसने मटेरियल उतारा, उतारने के बाद आपको दिखा कि ओ नो 200 280 और 100 किलो का जो केमिकल है वो खराब हो गया है भाई। बट वो जो वर्कर है वो तो क्या बोलेगा, अरे मालिक खराब हो गया नहीं हो गया मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है यार, मैंने तो मेहनत करी ना। अरे सर गरीब को देखो यार, मैंने तो मेहनत करी कि नहीं करी, पॉइंट है भाई। तो वर्कर क्या बोलता है कि मैंने साहब मटेरियल इतना चढ़ाया इतना उतारा, अब वो लॉस हो गया भाई, मेरी क्या गलती, मैं तो भैया पूरा पैसा लेगा। तो कंपनी को कौन से क्वांटिटी पे उसको पैसा देना पड़ेगा? इनवॉइस्ड क्वांटिटी पे। सो इसीलिए आप समझिए हैंडलिंग कॉस्ट जो आप लगाओगे इट विल बी व्हाट ऑन द इनवॉइस्ड क्वांटिटी, इनवॉइस क्वांटिटी। सो 10 पैसे से उसको मल्टीप्लाई करके, 10 पैसा मतलब कितना, 0.1। सो आपको कितना आएगा यहाँ पे, 0.1 कर देंगे तो 300 आएगा, कितना 500, और बाद में आएगा कितना 200, आई बात समझ में, 200। तो यहाँ पे आपने सारा खर्चा जोड़ दिया, तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आप एडिशन करेंगे और टोटल कॉस्ट निकालेंगे। फटाफट मेरे को आप टोटल कॉस्ट बता दीजिए। चलिए एवरीवन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एंड गिव मी द आंसर, कितना आया टोटल कॉस्ट? ना करो करो एवरीवन फटाफट, तीनों का टोटल एक साथ बताओ मेरे को, तीनों का टोटल, तीनों का टोटल एक साथ। ना 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 ना। चलो हरी अब गाइस, कम ऑन। हुआ क्या टोटल? वेरी गुड, चलो सो कितना आया आपका टोटल? 14,100, दूसरा है 21,600 एंड तीसरा है 10,700। कितना आया दोस्तों? चलो बोलो, 14,100, 21,600 एंड 10,700, दिस इज द टोटल। अब अपने को रेट निकालने का है, रेट निकालने का है अपना। सो अपना वर्किंग नोट का जो फर्स्ट पार्ट है, वर्किंग नोट का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज अपने को क्या निकालना था, टोटल कॉस्ट, ये अपन ने निकाल लिया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी। सो टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगा अपना, बताएंगे आप मुझे टोटल क्वांटिटी? सो यहां पे वर्किंग नोट नंबर टू, कॉम्प्यूटेशन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट, कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट, टोटल क्वांटिटी। यहां पे फिर से लिखेंगे पर्टिक्यूलर्स, ठीक है, फिर उसके बाद यहां लिखेंगे केमिकल ए, केमिकल बी एंड लास्ट में होगा केमिकल सी। अब यहां पे आपको फर्स्ट इनवॉइस्ड क्वांटिटी, बेटे इनवॉइस क्वांटिटी कितना है बताओ आप मुझे? 3000, फिर उसके बाद कितना है? 5000 एंड देन वी हैव इज 2000। फिर उसके बाद इसमें से लेस क्या करेंगे, आते आते ही मटेरियल में क्या हो गया, ट्रांजिट लॉस हो गया। अब बताओ ये नॉर्मल फीचर है क्या, अब नॉर्मल फीचर है मालिक? ये तो नॉर्मल फीचर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बेस्ट है। सो ट्रांजिट लॉस हो गया, ये स्ट्रेट वे आपको गिवन है, तो 200 280 एंड लास्ट में है कितना, 100। सो यहां पे आप क्या देख रहे हो, तो आपको मिलता है नेट क्वांटिटी रिसीव्ड। तो आपको कितना नेट क्वांटिटी मिला? 2800, देन वी हैव इज 4720 एंड 1900, इतना क्वांटिटी हम लोग को रिसीव हुआ।
अब उसके बाद ये बोलता है लेस, आपको कितना परसेंट प्रोविजन करना है, 5% प्रोविजन, 5% प्रोविजन फॉर डेटोरिएशन। वो कहते हैं कि 5% और डिटोरिएट होगा। अब मेरा बच्चा, अब कंफ्यूजन क्या होगा, सर जी ये 5% जो प्रोविजन लेना है डिटोरिएशन का, किसकी बात कर रहा हूं, ये जो 5% जो डिटोरिएशन का प्रोविजन करना है ये किस पे करना है, 5% प्रोविजन ऑन द इनवॉइस क्वांटिटी की हमने कितना खरीदा था या हमको कितना क्वांटिटी मिला है। सर ये 5% प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन, सर हमने कौन से क्वांटिटी पे करना चाहिए। तो आप समझिए, हमने ये 5% प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन जो करना है, इट इज टू बी डन ऑन द नेट क्वांटिटी रिसीव्ड, कि आपको एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी आपको रिसीव हुई उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने ये प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन करना है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, व्हाई सर, व्हाई भाई, समझ बात को, मेरे को फर्दर डिटोरिएशन का प्रोविजन, मेरे को पता है कि इतना लॉस हो गया है, तो भाई अब जितना हाथ में आया है उसमें से अब और 5% जाएगा ना, आई बात समझ में। इसीलिए सो 5% प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन ऑफ व्हाट, ऑफ सी, बराबर कि नहीं, ऑफ सी, तो कितना आया बताएंगे अमाउंट मुझे आप। सो कितना आया अमाउंट, 5% ऑफ 2800, दैट इज हाउ मच, 140 यूनिट्स, 140 kg, यहां पे आएगा 236 kg एंड यहां पे आएगा 5% इज 95 kg। सो यहां पे आप मुझे बताएंगे हाउ मच इज द नेट क्वांटिटी रिसीव। भाई फुल इन्वॉल्व रहना है क्लास के अंदर, एक्टिव रहना है, नजर हटी दुर्घटना घटी, कैसा आया क्या आया, एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेट क्वांटिटी कितना आया अपना, सो फर्स्ट वी हैव इज 2660, देन 4720 माइनस 236, तो हाउ मच वी हैव ओवर हियर, नेट क्वांटिटी इज 4484, वेरी गुड, 4484 एंड देन वी हैव इज 1805, आई बात समझ में। सो इतना अपने को नेट क्वांटिटी मिला। सो अब मेरा वर्किंग नोट नंबर 3, सो ये क्या होगा, कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट, कॉम्प्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी। सो कॉम्प्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी में फिर से हम लोग यहां पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स, केमिकल ए, केमिकल ए, केमिकल बी एंड लास्ट में है केमिकल सी। तो यहां पे फर्स्ट क्या करेंगे अपन, टोटल कॉस्ट, ये कहां से आया अपना टोटल कॉस्ट, वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर 2 टोटल क्वांटिटी आफ्टर ऑल द नॉर्मल लॉस, वर्किंग नोट नंबर 2। सो देयरफॉर रेट पर केजी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, नथिंग टू वरी अबाउट। सो कितना आया आंसर, आप मुझे फटाफट फटाफट बता दीजिएगा, इन वर्किंग नोट से आपने ये जो डेटा है ये आपने उठाना है और आपने मुझे आंसर देना है, फाइनल आंसर, बाकी तो फॉर्मेलिटी वाला काम है, आप फटाफट वर्किंग करके मुझे बता दीजिएगा। सो फर्स्ट केमिकल ए का कितना आया 5.30, दूसरे का कितना आया 4.81 एंड तीसरे का कितना आया 5.92, सही है एकदम, यस। तो ऐसे आपको वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल पे आपने क्या किया, पहले आपने पूरा वैल्यू निकाल लिया, आपने वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या कर लिया, टोटल क्वांटिटी निकाला कि एक्चुअल में आपको कितनी क्वांटिटी आई, और जो क्वांटिटी आपको आई तो आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी एंड देन यू गॉट योर आंसर। सो ये अपना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सही बात है एकदम, बोलना पड़ेगा आपको। सो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल पे द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, सही है एकदम। चलिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट वॉट, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। अब ये एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है आपका ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या आप लोग सब तैयार है क्या दोस्तों, बताएंगे मुझे क्या आप लोग सब तैयार है, कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 2।
बताएंगे आप मुझे? हां मजा आ गया, तो चलिए इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 1200 केजीज ऑफ सर्टन रॉ मटेरियल परचेस ड्यूरिंग जून वर एज फॉलोज। लॉट प्राइसेस कोटेड बाय द, अपन ने कितना परचेस किया है 1200 केजीज बराबर ऑफ सर्टन रॉ मटेरियल परचेस ड्यूरिंग जून वर एज फॉलोज। लॉट प्राइस कोटेड बाय सप्लायर एंड एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फॉर प्लेसिंग द परचेस ऑर्डर। लॉट अप टू 1022 केजी पर केजी, बिटवीन 1000 टू 1500 ₹20 पर केजी, बिटवीन 1500 टू 2018 पर केजी। ट्रेड डिस्काउंट आपको लगा है 20%, एडिशनल चार्ज ऑफ कंटेनर्स इज 10 पर ड्रम ऑफ 25 केजी। क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर्स इज ₹8 पर ड्रम। जीएसटी एट 10% ऑन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन ड्रम्स। टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेसर इज 240। Insurance at 2.5% on net invoice value paid by the purchaser. Net invoice value paid by the purchaser. Stores overhead applied at a rate of 5% on total purchase cost of material. The entire quantity was received and issued to production. The containers are returned in due course. Draw up a suitable statement to show total cost of material purchased and unit cost of material issued to production. क्या करते हैं आप बताइए। सारा मटेरियल आपने रिसीव भी कर लिया है बराबर, रिटर्न भी कर लिया है, तो क्या हो जाएगा अभी इसमें, जरा आप एक बार इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, इसको थोड़ा आप सोचिए इसके ऊपर। चलो सो यहां पे आप समझिए, एक इंस्टीट्यूट ने इसका एक सजेस्टेड आंसर, देखो अगर जो बच्चे इसको रेगुलर क्लास में कभी अपन ने करा होगा तो एक अल्टरनेटिव अप्रोच मैंने दिया था। आज एक इसका और एक इंस्टीट्यूट का एक सजेस्टेड सोल्यूशन जो है ना इसी क्वेश्चन का, जिसमें आपको समझना है यहां पे कॉस्ट मतलब क्या होगा। सो कॉस्ट मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है यहां पर, तो कॉस्ट मतलब इंस्टीट्यूट जब बोलते हैं ना नेट इनवॉइस वैल्यू या नेट परचेस प्राइस, तो इंस्टीट्यूट ने डिफाइन किया है कॉस्ट मतलब क्या है, तो आइए समझते हैं। सो अपन यहां पे कंसीडर करेंगे परचेस प्राइस, परचेस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट बराबर, माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस ऑल एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री एट इट्स लोकेशन, ऑल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू लोकेशन बराबर। ये जो खर्चा है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कॉस्ट। ये आपको तो पता है कॉस्ट मतलब ऐसा है, आई बात समझ में। तो जैसे कि फ्रेट वगैरह, ऑल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू लोकेशन, मतलब अपन किसकी बात करते हैं यहां पे, ये अपन बात करते हैं अपन किसकी, फ्रेट की। आई बात समझ में, दिख नहीं रहा है सर, ये किसकी बात करते हैं यहां पे, तो इसकी अपन बात करते हैं एज व्हाट, FREIGHT फ्रेट के। तो ऐसा जो है ये अपना क्या हो जाता है कॉस्ट। ये इसको नोट करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, वैल्यू एडिशन है ये चीजें, है ना। सो कॉस्ट मतलब क्या है आप समझिए, ये यहां पे नोट कर लीजिएगा। परचेस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस ऑल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द लोकेशन, तो ये जो है आपका कॉस्ट होता है। आई बात समझ में आपको, क्लियर एकदम, बोलो। Yes. तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। चलो सो यहां पे अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू एंड यहां पे सोल्यूशन। तो अभी जो मैंने सोल्यूशन दे रहा हूं, और एक बार जब मैंने रेगुलर क्लास में इसका सोल्यूशन दिया था, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये जो सेकेंड अप्रोच है ये इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में दिया है कि इसको आप कॉस्ट कंसिडर करिए करके। So we need to be updated, बराबर, we need to solve the questions as per what the institute is providing us with the solutions, है ना? Yes sir. चलो
सो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट अपने को बनाना है एज व्हाट द क्वेश्चन स्टेट्स. आपको क्या बनाना है, ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट टू शो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन. मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या बोलता है, एंटायर क्वांटिटी वॉज रिसीव्ड एंड इशूड टू प्रोडक्शन. सो आपको इसको टोटल क्वांटिटी से ही डिवाइड करना है. बट अगर दोनों अलग अलग होती तो आपको जितना प्रोडक्शन के लिए इशू किया है उतने आपको क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ता. ओके, तो क्या दोस्तों हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहां से? यस सर. सो यहां पे अपन बात करेंगे किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में. सो सॉल्यूशन अपना क्या है, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड एंड इशूड टू प्रोडक्शन, पर्टिक्यूलर्स कॉम्प्यूटेशन अमाउंट रुपीस. ठीक है, तो सबसे पहले अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, परचेस कॉस्ट के बारे में. क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहना. अब वो बोलता है हमने कितना क्वांटिटी परचेस किया है, 1200 किलो परचेस किया है. तो सप्लायर जो है वो लॉट प्राइजेस क्या कोट कर रहा है दोस्तों, सप्लायर जो है वो लॉट प्राइजेस क्या कोट कर रहा है बताइएगा. द लॉट प्राइजेस कोटेड बाय द सप्लायर एंड एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फॉर प्लेसिंग द परचेस ऑर्डर वो कितना है बताएंगे आप मुझे. 1022, अगर 1000 टू 1500 के बीच में आप परचेस करते हो तो रेट 20 लगेगा. सो अपना जो परचेस कॉस्ट होगा वो कितना लगेगा अपने को. सो परचेस कॉस्ट जो अपने को लगेगा वो होगा रुपीज 20 पर केजी. सो यहां पे हमने 1200 केजी परचेस किया है इनटू व्हाट, रुपीज 20 पर केजी इनटू व्हाट, रुपीज 20 पर केजी. सो 1200 केजी हमने परचेस किया है इनटू व्हाट, रुपीज 20 पर केजी बराबर. सो कितना आया अपना कॉस्ट, सो अमाउंट रुपीज इज हाउ मच, 24,000 बराबर. अब इसके अंदर क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है अपने को, इसके अंदर अपने को ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है. तो लेस यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कंसीडर करेंगे. ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपको, सो ट्रेड डिस्काउंट इज 20%. सो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, सो इट इज 24,000 इंटू 20%, दैट गिव्स मी हाउ मच, 4,800. आई बात समझ में. और कॉस्ट मतलब यहां पे हम लोग ऐड करेंगे यहां पे किसको, फ्रेट को. किसको ऐड करेंगे बच्चों, फ्रेट को. तो फ्रेट को ऐड करेंगे और कितना आंसर निकालेंगे बताएंगे आप मुझे. सो फ्रेट अपना कंसीडर करेंगे, कितना है अपना फ्रेट, टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेसर इज हाउ मच, 240. सो अपना फ्रेट जो अपने को गिवन है दैट इज हाउ मच, 240. ये एक चीज अलग कर रहा हूं मैं, ये एक चीज अलग कर रहा हूं. आई बात समझ में आपको. सो इसको आप केयरफुली नोट कीजिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पे हो रहा है फ्रेट के बारे में. रेगुलर क्लास में इसका जो सोल्यूशन है और अभी इसका जो सोल्यूशन है फर्क है. फ्रेट हमने बाद में ऐड किया था, ठीक है ना. बोलो आई बात समझ में आपको. सो जवाब दीजिएगा इसका.
नहीं पहले अपन एकदम आराम से ये करते हैं। चलो इसको चेंज करो, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। सो यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं परचेज कॉस्ट माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एकदम आराम से, ठीक है। चलो सो स्टे विथ मी, इसका सोल्यूशन एक अलग दे रहा हूं मैं आपको, एक इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर जो है उसके हिसाब से अपन दे रहे हैं यहां पे, तो वेट करो, कैंसिल कैंसिल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सो यहां पे एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। सो यहां पे अपन क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, बेसिक प्राइस आपने ले लिया, ट्रेड डिस्काउंट ले लिया, फिर अब इसके ऊपर आपने और कौन सा खर्चा पे किया आपने प्रोडक्ट लाने के लिए। सो आपने पे किया है ड्रम चार्जेस। सो ड्रम चार्जेस पहले तो आप कौन सा चार्जेस ऐड करेंगे, पहले ड्रम चार्जेस, क्योंकि मटेरियल में आपने ड्रम भी तो आया ना स्ट्रेट वे, पहले पहले आपने क्या करना है, क्या क्या खर्चा आपके पास आया है वो आपने ऐड करना है। सो ड्रम चार्जेस, ड्रम चार्जेस कितना है आपने, सो ₹10 पर ड्रम फॉर 25 kg। सो एक ड्रम को कितना किलो लगता है, 25 किलो, एक ड्रम में कितना बैठता है, 25 किलो। आपने कितना परचेस किया है, 1200 kg। सो 1200 kg डिवाइडेड बाय 25 kg, 1200 kg डिवाइडेड बाय 25 kg, मतलब इतने नंबर ऑफ ड्रम्स आपको लगे, इंटू वॉट ₹10 पर ड्रम, तो क्या हो गया दोस्तों, यहां पे आपको इतना टोटल कॉस्ट आया आपके ड्रम का। सो वो कितना आया ड्रम का टोटल कॉस्ट अपना बताएंगे आप मुझे। सो ड्रम का टोटल कॉस्ट कितना आया आपको, ₹480। कितना आया ड्रम का टोटल कॉस्ट आपको, आया ₹480। यहां तक कोई डिफिकल्टी है, स्टेप बाय स्टेप चलने दो, स्टेप बाय स्टेप चलने दो। सो ड्रम चार्जेस आपका ये आ गया। अब देखो ये जो सोल्यूशन है ना, ये प्रैक्टिकली मतलब मैंने कितना परचेस कॉस्ट किया है। सो परचेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट और ड्रम चार्जेस, क्योंकि जब मेरा इनवॉइसिंग बनता है, आप समझो बात को, ये जो अप्रोच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरा इनवॉइसिंग होता है तो इनवॉइस में 480 मुझे लग के आता है ना, आई बात समझ में। सो 480 मुझे लग के आया है, बराबर। अब उसके बाद मुझे नेक्स्ट इसके ऊपर अब मुझे क्या लगाना है, मुझे अब टैक्स लगाना है, बराबर के लिए। अब मुझे टैक्स कितना बोला है यहां पे, जीएसटी है 10% ऑन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन ड्रम्स, आई बात समझ में आपको। सो जीएसटी मुझे कितना लगेगा, 10% ऑन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन ड्रम्स। तो यहां पे आप लगाएंगे यहां पे जीएसटी, पहले जीएसटी लगाएंगे आप, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना। तो जीएसटी आप कितना लगाओगे, रॉ मटेरियल पे जीएसटी कितना लगा आपका, सो जीएसटी आपका ऑन रॉ मटेरियल, सो रॉ मटेरियल पे जीएसटी आपका 10% है। सो कितना लगेगा वो, 24,000, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, 24,000 माइनस 4,800 का डिस्काउंट इंटू आपको लगा कितना, 10%। सो कितना आपको क्या बोलते हैं उसको, कितना रॉ मटेरियल पे जीएसटी लगा आपको, कितना जीएसटी लगा आपको, 1920, कितना लगा आपको, 1920। और जीएसटी ड्रम्स पे कितना लगा, जीएसटी ऑन ड्रम्स आपको कितना लगा, 480 इंटू हाउ मच परसेंटेज, सो इंटू 5%, तो आपको जीएसटी कितना लगा, 24। ये स्टेटमेंट एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो आप सबने ध्यान देना है इसके ऊपर, स्लो चलने देना, आई बात समझ में। सर ये क्रेडिट यहीं पर लेस कर सकते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि आपको जीएसटी क्रेडिट यहां पे लेस नहीं, क्योंकि आपको टैक्स इसके ऊपर लगाना है ना, 480 पे आपको टैक्स लगाना है ना दोस्तों, समझिए बात को। आपने रिटर्न किया है तो यहां पे आप समझिए इसके ऊपर ₹24 तो आपको पे करना है। मैं समझाऊंगा ये, पहले एक बार स्टेटमेंट समझ लो, फिर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में इसका सोल्यूशन दे दूंगा, मतलब समझाऊंगा आपको। बट आप यहां पे लेस करके मत लिखना, ड्रम चार्जेस 480, बिल में इतना लगेगा 480, इसके ऊपर रॉ मटेरियल पे 1920 और ₹24, ₹24 आपने पे करना है। यहां तक कोई क्वेरी, स्टेप बाय स्टेप चलो, यहां तक कोई क्वेरी मुझे बताइए। तो मुझे नेट मेरा इनवॉइस जो बना है, नेट इनवॉइस वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट हो गया, नेट इनवॉइस वैल्यू, जब मेरा बिल बनेगा तो मेरा बिल कैसा बनेगा। सो नेट इनवॉइस वैल्यू विल बी व्हाट, ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ये मेरा नेट इनवॉइस वैल्यू होगा। इनवॉइस के इनवॉइस मेरा इनवॉइसिंग जो होगा ना, ये वैल्यू पे इनवॉइस होगा।
आप समझो, कभी भी आप जब आपको इनवॉइस मिलता है तो आपको क्या मिलता है, यहां पे आपका परचेस कॉस्ट, कस्टमर, आप समझिए बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कस्टमर जब आपको बिल देगा, ये जो मैंने सजेस्टेड आंसर जो रेगुलर क्लास में दिया था और अभी जो बात कर रहा हूं, इसमें फर्क है। मेरा इनवॉइस जो बनेगा ना, आप जब कस्टमर को इनवॉइस दोगे तो आप इनवॉइस कैसे दोगे, परचेस कॉस्ट लगाया मेरे को ये, फिर मैंने उसको बोला भाई तेरे को इतना ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं, वो बोलता है थैंक यू वेरी मच सर, बराबर। फिर आप बोलते हो कि भाई देख तेरे को हम ड्रम का चार्जेस इतना लगा रहे हैं, तो आप बोलोगे ठीक है, सो ये ठीक है, ये ठीक है, और ड्रम का चार्जेस उसको इनवॉइस में लगाया, मेरे को ये इनवॉइस का वैल्यू निकालना है। फिर आप उसको इनवॉइस में लगा रहे हो जीएसटी, तो आप जीएसटी किस पे लगा रहे हो, तो आप जीएसटी रॉ मटेरियल पे लगा रहे हो, और आप जीएसटी उसको किस पे लगा रहे हो, आप जीएसटी उसको किस पे लगा रहे हो, ड्रम्स पे लगा रहे हो। तो ऐसे करके इतने का आपने क्या कर दिया, इतने का आपने ये आपने इनवॉइस आपने बना दिया, तो ये इनवॉइस वैल्यू मेरा बिलिंग इतना है, आई बात समझ में। ये जो आपका सप्लायर है, ये सप्लायर आपको इतने का इनवॉइस देगा, क्या बात है, सही है क्या गलत बेटा, सच्ची बोल, बॉडी के अंदर जा रहा है क्या, प्रैक्टिकली ये सिचुएशन है। चलो वेटिंग 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 फॉर यू, सप्लायर इतने का इनवॉइस बना के देगा मेरे को, सप्लायर इतने का इनवॉइस बना के देगा मेरे को, आई बात समझ में। सो ये इनवॉइस मेरा इतना बनेगा, सो यहां पे मुझे नेट इनवॉइस वैल्यू कितना मिला अभी बताएंगे आप मुझे, 24,000 बराबर प्लस, सॉरी माइनस 4,800 प्लस 480 प्लस 1920 प्लस 24, सो मुझे कितना आया यहां पे, सो 21,000 कितना आया इनवॉइस, कितने का बना मेरा 21,624, ये मेरा क्या बना, इनवॉइस वैल्यू बना, क्लियर है क्या एकदम, बोलो यस और नो। अब इस इनवॉइस वैल्यू के ऊपर अब आप क्या कर रहे हो, आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो, ये इनवॉइस का जो है ना, ये जो इनवॉइस है आपका, बराबर, तो इस इनवॉइस वैल्यू के ऊपर आप समझ रहे बात को, इस इनवॉइस वैल्यू के ऊपर आप 2.5% से पेड बाय द परचेसर, परचेसर ने कितना पे किया, इतना पे किया ना, वो तो इतना पे करेगा ना, जो उसका 21,624 इसका तो इनवॉइस वैल्यू इतना बना ना, बराबर के, तो इसके ऊपर वो क्या करेगा, इतना पे करेगा। सो इंश्योरेंस आपको लेना है, सो इंश्योरेंस कितना है 21,624 × 2.5%, सो कितना आया इंश्योरेंस का फिगर, चलिए बताइए मुझे इंश्योरेंस का फिगर, बताएंगे आप मुझे इंश्योरेंस का फिगर, बताएंगे आप मुझे, चलो, सो 21,624 का 2.5%, तो दैट इज हाउ मच, 541, सो 541 ये क्या हो गया मेरा इंश्योरेंस आया, इंश्योरेंस इज हाउ मच 521। अब उसके ऊपर FG, अब क्या हो गया मेरे को फ्रेट, फ्रेट मैंने पे किया है, इनवॉइस में फ्रेट नहीं आएगा, इनवॉइस में थोड़ी, अब ये जो फ्रेट है ये सप्लायर को थोड़ी दिया है, फ्रेट किसको दिया है बताइए, इनवॉइस वैल्यू में, यहां पे इनवॉइस वैल्यू में, यहां पे सर सवाल आता है, सर यहां पे आपने फ्रेट को क्यों नहीं जोड़ा, एक बच्चा सवाल पूछता है, सर आपने यहां पे इनवॉइस वैल्यू में फ्रेट क्यों नहीं जोड़ा, सर पहले तो आपने लिखा था, भाई फ्रेट यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेट आप किसको दे रहे हो, फ्रेट आप ट्रांसपोर्टर को दे रहे हो, यह बिल कौन बनाया बाबू, यह बिल बनाया सप्लायर, तो सप्लायर के इनवॉइस में ट्रांसपोर्टर का फ्रेट कैसे आएगा ना, एंड इट इज पेड बाय यू ना, तो तुम अलग से ट्रांसपोर्टर को पैसा दे रहे हो, अलग से आपको ट्रांसपोर्टर इस फ्रेट का आपको इनवॉइस देगा, आई बात समझ में आपको, तो इसीलिए फ्रेट अपन ने यहां पे नहीं जोड़ा है, अलग से इसको अपने कॉस्ट में फिर हम लोग यहां पे फ्रेट जोड़ेंगे, क्लियर है एकदम बात, सही है एकदम। सो इसके लिए नेट इनवॉइस वैल्यू में फ्रेट आपका नहीं आएगा, आई बात समझ में, बिल्कुल सही है सर, मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। सो मेरा क्या क्या हो गया, टोटल फ्रेट हो गया, जीएसटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सही बात है एकदम, बिल्कुल सही बात है। सो अब यहां पे आप समझिए बात को, ये होने के बाद अब बात करेंगे किसकी, क्रेडिट अलाउड। अब खर्चे तो सारे आ गए ना, देखो ट्रेड डिस्काउंट ले लिया, खर्चा ले लिया, फिर उसके बाद अब जीएसटी ले लिया, टोटल फ्रेट ले लिया, इंश्योरेंस ले लिया, अब बात करते हैं किसके बारे में, क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ ड्रम्स, FGH। अब लेस यहां पे क्या करेंगे, क्रेडिट ऑन ड्रम्स, सो आपको ड्रम्स पे क्रेडिट मिलता है, तो आपको ड्रम्स पे क्रेडिट मिल रहा है, मतलब कितना आपको पैसा वापस दे रहे हैं, वो आपको वो 8 रुपया वापस दे रहे हैं,
अब किसी को पूछना है क्या कि सर, किसी को पूछना है क्या, ओ सर, सर सुनो ना, सर जी, सर जी, सर जी, ये जो क्रेडिट ऑन ड्रम्स है, मतलब मुझे कितने ड्रम्स वापस से, 1200 केजी डिवाइडेड बाय 25 केजी इनटू व्हाट, इनटू रुपीस 8 पर ड्रम, ये मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो कितना अमाउंट हो गया, ये कितना अमाउंट हो गया, चलो बोलो फटाफट, कितना अमाउंट हो गया, ड्रम का पैसा कितना रिटर्न आया, बोलो रे भाई, ड्रम का पैसा कितना रिटर्न आया, 340 रुपया, नहीं, फ्रेट का तो लिखा ही नहीं अपन ने, फ्रेट का कितना पैसा है, लिखा ही नहीं अपन ने, 240 रुपए फ्रेट का, फ्रेट का 240 ऐड कर दिया। अब इसका पैसा बोलो मेरे को कितना पैसा आया, 384 रुपीस। अब आपको सवाल ये आ रहा है कि सर अब ये 8 रुपए हम लोग को क्रेडिट मिला है, तो सर इसके ऊपर का जीएसटी का भी पैसा मिलेगा क्या? सर ये जो 8 रुपए वापस मिले हैं तो इसका सर मुझे जीएसटी का भी पैसा वापस मिलेगा क्या, बताओ मुझे, क्या इसके ऊपर का जीएसटी का भी पैसा वापस मिलेगा क्या? तो आंसर इज नो बाबू, नहीं मिलेगा आपको जीएसटी का पैसा, आपको नहीं मिलेगा। और सर मिलना चाहिए ना यार, सर मिलना चाहिए क्या, ये जीएसटी का पैसा वापस मिलना चाहिए क्या आपको? नहीं मिलेगा, पूछो ना क्यों नहीं मिलेगा। अरे भाई ये आपको एक फैसिलिटी दिया है, देखो ये जो आपका जीएसटी ड्रम्स पे जो उसने कलेक्ट किया ना, ये पैसा उसने आपसे कलेक्ट किया, और ये आप पैसा जो है इट इज पेड टू गवर्नमेंट, ये उस सप्लायर का पैसा नहीं है, ये उसने आपसे कलेक्ट किया और ये क्या किया, उसने गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाके पे कर दिया। आई बात समझ में आपको? सो इट इज कलेक्टेड एंड पेड टू द ड्रम, इट इज पेड टू द गवर्नमेंट, ड्रम क्या बोल रहा हूँ, इट इज पेड टू व्हाट द गवर्नमेंट, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। बट आप समझिए, अब वो जो आपको रिटर्न के ऊपर जो पैसा दे रहा है ना, ये बस आपको क्या दे रहा है, एक फैसिलिटी दे रहा है, वो एक फैसिलिटी दे रहा है। आई बात समझ में, कि भाई दे दे, मेरे को बाहर से खरीदना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं तेरे से खरीद रहा हूँ, उसमें तेरे को मैं 8 रुपए दे रहा हूँ, बस खत्म हो गए, बाकी यू इमोशनल मत हो। आई बात समझ में, जैसे अगर मान लो मैं आपको 10,000 रुपीस का प्रोडक्ट देता हूँ और उसमें मैं आपको 500 रुपए मैं आपको पेन ड्राइव का चार्ज लगाता हूँ, ठीक है, सो मेरा प्रोडक्ट बन गया 10,500 का। फिर मैं आपको क्या बोलता हूँ कि देख बेटा एक काम कर, तेरा पेनड्राइव वेनड्राइव देख के, मेरे को वैसे भी हर बार पेनड्राइव खरीदना पड़ता है, मेरे को क्या हर बार पेनड्राइव खरीदना पड़ता है ना, तू एक काम कर, मेरे को तू पेनड्राइव रिटर्न कर दे, तू मेरे को पेनड्राइव रिटर्न कर दे, सही बात है ना, तो मैं तेरे को इसके बदले 200 रुपए तेरे को वापस दे देता हूँ मैं तेरे को। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर इस 200 के ऊपर का जीएसटी भी मेरे को वापस दे, कैसे मिलेगा, मैंने ये जो 500 रुपए का तेरे को चार्ज लगाया इसके ऊपर का जीएसटी मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया है, मैं बाहर से खरीदने से अच्छा मैं तेरे से खरीद रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं 200 रुपए तेरे को क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तेरे को रिटर्न कर रहा हूँ। आई बात समझ में आपको? यस, तो इसीलिए आप समझिए इसके ऊपर का जीएसटी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, इतना दिया उतना दिया, ठीक है, ठीक है, तो यहां तक कोई डिफिकल्टी है नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों यहां पे, सो जब हमने परचेस किया GHI तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे आप मुझे, सो GHI, सो दिस इज व्हाट द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस, सो दिस इज व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड, सो क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड, चलो आप मुझे बताओ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड, सो क्या हो जाएगा, इट विल बी ई प्लस एफ प्लस जी माइनस एच, तो अपने को नेट नेट इतना खर्चा पड़ा अपने को। आई बात समझ में आपको? सो हाउ मच इज द नेट कॉस्ट, हाउ मच इज द नेट कॉस्ट, चलो बताइए आप मुझे, सो 21,624, कैलकुलेटर निकालो भाई, हाँ, सो क्या आया मेरा 21, अब बता रहे क्या, 21,624 प्लस कितना आया 541 प्लस 541 प्लस 240 माइनस 384, सो इट इज इक्वल टू 22,021, वेरी गुड सर,
22021। आई बात समझ में आपको? सो ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड। आई बात समझ में? मेरे को खरीदी भाव इतना पड़ा, सही है एकदम, बहुत सही है सर। अब जी एच आई जे की बात करेंगे, इसके ऊपर आपको ऐड करना है स्टोर्स ओवरहेड। जब हम लोग मटेरियल प्रोडक्शन को भेजते हैं तो हमारा स्टोर्स का खर्चा लगा के हम लोग प्रोडक्शन को भेजेंगे, तो जब हम लोग यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी आई प्लस जे, आई प्लस जे, क्योंकि इतना मैंने खरीदा प्लस मेरे स्टोर में। अब देखो ना, अब समझो बात को, ये मटेरियल आया किधर, मेरे स्टोर्स में, तो आप समझिए बात को, ये मटेरियल है, ये मटेरियल आया और ये मटेरियल स्टोर्स में आया, तो स्टोर्स में आने के बाद इसका मटेरियल का खर्चा तो है ही है, प्लस स्टोर्स के अंदर मेरे को कुछ खर्चा लगा के नहीं लगा, स्टोर्स के अंदर मेरे को कुछ खर्चा लगा के नहीं लगा, बिल्कुल लगा ना सर। तो यहाँ पे स्टोर्स का खर्चा लगने के बाद अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको प्रोडक्शन पे भेज रहा हूँ, तो प्रोडक्शन पे भेजने के लिए मुझे कितना खर्चा लगा, दिस प्लस दिस, बोलो यस और नो, यस। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ऐड दिस स्टोर्स ओवरहेड। तो ये स्टोर्स ओवरहेड कितना अपन ऐड कर रहे हैं दोस्तों, 5% ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस, सो इट इज 5% ऑफ 22021, तो कितना आया 5% ऑफ 22021, चलिए गिव मी द आंसर, 5% ऑफ 22021, 5% ऑफ 22021 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 1101। सो कितना आया मेरा आंसर, 1101। सो हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, सो इट इज 2302, नहीं सही है ना, नहीं 22000, हाँ सो कितना आया ये, सो 23102, नहीं 23122, कम ऑन सर, इजी है। सो दिस इज द अमाउंट इश्यू टू प्रोडक्शन। चलो जमी क्या बात आपको, सो ये जो है ना, अपन ने जो रेगुलर क्लास में जो इसको सॉल्व किया था और अभी जो सॉल्व किया था, इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया है, सही है एकदम, यस। तो दिस इज द सजेस्टेड आंसर रिसेंटली विच इज गिवन बाय ICAI, सो दिस इज वॉट वी हैव टू फॉलो, यस। तो रिमेंबर यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिख देता हूं, नोट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट, जीएसटी अमाउंट विल नॉट बी रिटर्न्ड इन केस ऑफ कंटेनर्स रिटर्न्ड, बराबर। नंबर टू, हाउएवर व्हेन एनी कंटेनर इज रिजेक्टेड अलोंग विथ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, cost of drum, even GST amount will be refunded. Isme but freight insurance charges will not be returned as those are period cost and cannot be recovered irrespective of
rejection as they are paid to third party. मतलब जब आपको कभी क्वेश्चन में अगर आ गया ना कि भाई कंटेनर को रिजेक्ट कर दिया है, तो उसमें आप है ना परचेस कॉस्ट माइनस ले लो बराबर उसमें, बट आप मतलब परचेस कॉस्ट माइनस ट्रेड डिस्काउंट जितना आपने नेट नेट पे किया था वो आप वापस ले लो, उसमें आप जीएसटी का पैसा वापस ले लो बराबर, ड्रम का पैसा वापस ले लो, ड्रम के ऊपर का जीएसटी वापस ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपने ट्रांसपोर्ट फ्रेट इंश्योरेंस का जो पैसा आपने दिया है ना वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी को पे कर रहे हो ना, थर्ड पार्टी क्या बोलेगा भाई तू रिटर्न कर मत कर, तू इंश्योर तू रिजेक्ट कर मत कर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या हो गया है मैंने ये थर्ड पार्टी को पे किया ना, तो वो बोलेगा मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो इतना खर्चा लग गया, बट सप्लायर से जितना आपने चार्ज किया है सप्लायर को, जितना आपने सप्लायर को चार्ज किया है ना, सॉरी मतलब सप्लायर ने जितना आपको चार्ज किया उससे आप उतना पैसा रिटर्न ले सकते हो। ये नोट समझ में आई क्या दोस्तों आपको? यस। सो हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट द कॉन्सेप्ट वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। इसको आप नोट कर लीजिएगा आराम से, अच्छे से डाइजेस्ट कर लो इसको, मजा आ रहा है। हे गाइस, जितना आपने पहले पढ़ा था और अभी जो आप पढ़ रहे हो, उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते होंगे। अगर जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल ऐसा अज्यूम किया है तो जीएसटी ऐड करने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, वो तो सिंपल सी बात है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट एक बार। Okay, let's rock, guys. चलो okay, so अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। Now we move on to concept number टू। चलो I hope things are going very well. So concept number टू, अब बात करेंगे किसके बारे में? So अब हम लोग बात करेंगे about what? Reorder level. रीऑर्डर लेवल की बात करेंगे अभी हम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर टू बराबर, कॉन्सेप्ट नंबर टू की बात करेंगे रीऑर्डर लेवल प्लस अब बात करेंगे अबाउट व्हाट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। किसकी बात करेंगे अपन? रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा मेजर कॉन्सेप्ट है बराबर, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी। रीऑर्डर लेवल, क्या सब लोग तैयार हैं? मजा आ रहा है ना कि बोर हो रहा सर बोर हो रहा है क्या सर, कितना कॉस्टिंग, अरे इतना कॉस्टिंग दिमाग पे ठूस देगा ना रे भाई, तुम बोलेगा सर जी यही फेवरेट सब्जेक्ट बन गया आप उनका, अब डिफिकल्ट कुछ भी नहीं लगेगा आपको। रीऑर्डर लेवल आइए समझते हैं।
सो दोस्तों लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रीऑर्डर लेवल, किसे कहते हैं रीऑर्डर लेवल, किसे कहते हैं रीऑर्डर लेवल। सो रीऑर्डर लेवल मतलब क्या होता है, आइए नाम से समझते हैं। रीऑर्डर लेवल इज द लेवल, रीऑर्डर लेवल इज द लेवल एट विच ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल इज प्लेस्ड, ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल इज प्लेस्ड। रीऑर्डर लेवल इज द लेवल एट विच द ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल इज प्लेस्ड। रीऑर्डर लेवल एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, मटेरियल का प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर प्लेस करते हैं। समझो बात को, क्या है रीऑर्डर लेवल, मेरे पास ध्यान देना। रीऑर्डर लेवल ऐसा लेवल है जिस लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, अपना मटेरियल का ऑर्डर अपन प्लेस करते हैं। मतलब आप समझिए बात को, थोड़ा लॉजिक थोड़ा डिटेल में थोड़ा इसको समझते हैं अच्छे से। अब जैसे यहां पे क्या हुआ, आप समझिए बात को, यहां पे ये आपका जो है ना स्टॉक लेवल है, ये आपका क्या है, स्टॉक लेवल है आप बराबर के नहीं, तो ये आपका स्टॉक लेवल है बराबर। एंड यहां पे क्या हो रहा है कि अब आपने यहां पे ये फुल है, ये मिनिमम है, ये जीरो है। अब क्या हुआ, अपने को एक ऐसा लेवल अपने को डिसाइड करना है, लेवल एट विच वेयर वी शुड प्लेस दी ऑर्डर ऑफ मटेरियल, ये हम लोग को डिसाइड करना है। तो इस लेवल को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इस लेवल को हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट, रीऑर्डर लेवल। यहां तक समझ में आया दोस्तों, व्हाट इज रीऑर्डर लेवल, किसे कहते हैं रीऑर्डर लेवल, आई बात समझ में आपको? यस सर। अब सवाल ये आता है कि सर ओके समझ में आया बराबर, सर समझ में आ गया कि ओके रीऑर्डर लेवल इसे कहते हैं कि जिस लेवल पे हम लोग मटेरियल का प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर प्लेस करते हैं उसे हम लोग रीऑर्डर लेवल कहते हैं। वाह एकदम इजी है, बट सर ऐसा लेवल डिसाइड करने की जरूरत क्या है? नहीं सर आप एक बात बताइए, ऐसा लेवल डिसाइड करने की जरूरत क्या है, मतलब क्यों करूं मैं, आखिर क्यों, व्हाई टेल मी, हाँ क्यों करूं मैं, मेरे को नहीं करना पड़ेगा क्यों, इसका रीजन क्या है? तो बेटा इसका रीजन सिंपल है, दैट टिल द टाइम मटेरियल purchased, till the time the material purchased arrives, we do not run out of stock, or when material, we do not run आउट ऑफ स्टॉक। मतलब आज मेरे पास, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ना, अब आप ये समझो, ये लिख के बताने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है। अब इसमें क्या होगा ना, अब आप समझिए, मैं आज डिसाइड करता हूं कि मेरे को है ना मटेरियल प्रोक्योर करना है, परचेस करता हूं मैं। अब मेरे पास बचा है 2 दिन का स्टॉक, बट अब वो सप्लायर जो है वो बोलता है कि भाई मेरे को 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा मेरे को मटेरियल डिलीवर करने में। ओ माय गॉड, अब आपके पास मटेरियल अवेलेबल है 2 डेज का, आपके पास मटेरियल अवेलेबल है कितने डेज का, 2 डेज का, एंड वो सप्लायर बोलता है कि आई विल टेक 5 डेज टू डिलीवर। अब अगर आपने ऐसा अनप्लान्ड आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3 दिन यू विल बी व्हाट, आउट ऑफ स्टॉक। 3 दिन आप कुछ धंधा नहीं करोगे, आपका लेबर खाली बैठेगा, आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, आपका सेल नहीं होगा। तो इसीलिए वी शुड नेवर बी आउट ऑफ स्टॉक, वी शुड ऑलवेज हैव अ हेल्दी अमाउंट ऑफ स्टॉक। इसीलिए आपने एक लेवल ऐसी डिसाइड करनी है कि अगर मैं आज ये ऑर्डर प्लेस करूं तो जब तक, और फिर मैं यूज करते जाऊं,
और फिर जब तक मेरे को मतलब ये ओवर होने आ गया है, बैन मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा मटेरियल मेरे पास आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए ऐसा मुझे एक लेवल डिसाइड करना है कि जब मैंने मटेरियल को ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर मैं क्या करेगा, इसको यूसेज करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। ओ फिर अब डर लग रहा है कि मटेरियल खत्म होने आया है, ओवर ओवर ओवर, एंड टेंशन ने डायरेक्टली वापस से मटेरियल मेरे को रिसीव, टेंशन इज नहीं है। आई बात समझ में? सो ऐसे केस में आई विल नेवर रन आउट ऑफ स्टॉक। सो इसीलिए आप सबने क्या करना चाहिए, इसीलिए आप सबने एक लेवल डिसाइड करना चाहिए, इसीलिए आप सबने एक लेवल डिसाइड करना चाहिए कि आपने मटेरियल का ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। इसी लेवल को हम लोग नाम कहते हैं एज व्हाट, रीऑर्डर लेवल। बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? मैंने बोला ना, भले ही फास्ट ट्रैक है बट जब अपन बात कर रहे हैं ये रिविजन की, बराबर, ये फास्ट ट्रैक की कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझ में आना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं क्या, रीऑर्डर लेवल। सो अब इस रीऑर्डर लेवल को सेट करना है अपने को, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इस रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? तो इसके फॉर्मूला है मेरा बच्चा दो। आई बात समझ में आपको? इसके फॉर्मूला क्या है, दो। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज मैक्सिमम कंजम्पशन, बराबर, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। आई बात समझ में? तो पहला फॉर्मूला क्या है इसका, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। जब ये हो जाएगा, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे एज व्हाट, रीऑर्डर लेवल। व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम कंजम्पशन, बराबर, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसका लॉजिक, मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब आप कितना यूज करोगे, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो चलिए यहां पे व्हाट इज रीऑर्डर पीरियड इसको डिसाइड करता है। पहले समझते हैं व्हाट इज सरजी रीऑर्डर पीरियड, फिर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। रीऑर्डर पीरियड मतलब क्या होता है, रीऑर्डर पीरियड मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड, रीऑर्डर पीरियड इज द टाइम टेकन बाय सप्लायर टू डिलीवर द गुड्स, टू डिलीवर द गुड्स, बराबर के नहीं, इज कॉल्ड एज व्हाट, रीऑर्डर पीरियड। जैसे वो आपको बोलेगा गुड्स विल बी डिलीवर्ड विद इन व्हाट, 6 to 8 days, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बोलता है कि गुड्स विल बी डिलीवर्ड विद इन 6 to 8 days, तो इसके अंदर 6 days क्या हो जाएगा, इसके अंदर 6 क्या हो जाएगा, 6 विल बी व्हाट, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, एंड 8 विल बी व्हाट, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, बराबर के नहीं, एंड 7 days विल बिकम व्हाट, 7 days विल बिकम व्हाट, बताओ, इट विल बी व्हाट, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर पीरियड आपके कैसे होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। बट रीऑर्डर पीरियड मतलब क्या होता है, रीऑर्डर पीरियड वो पीरियड होता है दैट इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन बाय द सप्लायर टू डिलीवर द गुड्स टू द सप्लायर, टू द बायर। आई बात समझ में? तो अब इसका लॉजिक समझते हैं, बराबर, इसका लॉजिक समझते हैं कि रीऑर्डर लेवल कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या है अपना, पहला फॉर्मूला क्या है अपना, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो सर ये पहला फॉर्मूला आया कैसे, हाउ डू वी गेट दिस फॉर्मूला? तो फर्स्ट इज कंजम्पशन। अब देखो, जब आपने ये लेवल डिसाइड करा और आपने यहां पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, बराबर, आपने यहां पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो जब तक आपका ऑर्डर आ रहा है तब तक आप कंजम्पशन, मतलब ही तब तक आप मटेरियल का यूसेज करोगे ही ना, बोलो यस और नो, करोगे? यस सर, करेंगे। बट आप मुझे एक बात बताओ, कितना कंजम्पशन करेंगे, मटेरियल आप कितना कंज्यूम करोगे, मिनिमम करोगे,
एवरेज करोगे या मैक्सिमम करोगे? तो सर मिनिमम तो करेंगे ही करेंगे, मिनिमम तो करेंगे ही करेंगे, तो मिनिमम का प्रोविजन करूं क्या? नहीं सर, मिनिमम का प्रोविजन मत करना। क्यों सर? अगर एवरेज कंजम्पशन हो गया तो सर अगर मैं मिनिमम कंजम्पशन के हिसाब से, अगर मैं मिनिमम कंजम्पशन 10 kg के, मेरा कंजम्पशन कितना है, लेट अस से मैं बोलता हूं 100 kg to 200 kg, ये मेरा मिनिमम कंजम्पशन है, एंड 150 ये क्या हो गया एवरेज। सो 100 kg मिनिमम, 200 kg ये मैक्सिमम, एंड 150 kg ये क्या है एवरेज। तो अब क्या हो गया, अगर मैंने प्रोविजन 100 kg के हिसाब से किया, क्योंकि मेरे को मालूम है गारंटी है 100 kg तो अपन क्या कर लेंगे भाई, 100 kg तो अपन कंज्यूम कर लेंगे। बट भाई अगर कभी मेरे को ऑर्डर आया और 150 का आया तो फिर सर मैंने 100 kg के हिसाब से प्रोविजन करा है, बट सर अगर ज्यादा आ गया तो 50 kg में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा सर, ओ नो। और अगर मुझे 200 kg का ऑर्डर आया तो फिर तो सर नुकसान हो जाएगा, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। हाँ तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, देख भाई मेरे को पता है ना मिनिमम तो इतना यूज होगा, एवरेज भी हो सकता है और 200 तक भी जा सकता है। तो भाई अपना धंधे में कभी भी अपन ने आउट ऑफ स्टॉक रहने का है क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं। तो भाई अपन एक काम करते हैं, प्रोविजन बनाने का है ना, तो तू एक काम कर, जितना ज्यादा से ज्यादा, देख मिनिमम आ गया तो हम लोग प्रोवाइड करना चाहिए, एवरेज भी आया तो भी हमने प्रोवाइड करते आना चाहिए, और मैक्सिमम भी आया तो भी हमने प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस पीरियड में कभी भी अगर मेरे को मैक्सिमम कंजम्पशन करने की नौबत भी आ गई ना, मैक्सिमम कंजम्पशन करने की जरूरत भी आ गई ना, आई शुड बी एबल टू प्रोवाइड दैट रॉ मटेरियल, यूज इट, मेक द प्रोडक्शन एंड गिव इट टू द कस्टमर, है ना। तो मैंने इसके लिए क्या कंसीडर करना चाहिए, मैक्सिमम कंजम्पशन मैंने कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि भाई बिजनेस में ऑप्टिमिस्टिक सोच के मैं क्या बोलेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा कितना कंज्यूम कर सकता है तू, इतना करेगा ना, और कभी नौबत भी आई तो करना पड़ेगा ना, आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहने का अपने को। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट में अपन कंजम्पशन से तो मल्टीप्लाई करते ही है, बट कौन सा कंजम्पशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग मैक्सिमम कंजम्पशन को कंसिडर कर रहे हैं। ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। अब दूसरा, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, टाइम टेकन बाय द सप्लायर टू डिलीवर द गुड्स, दैट इज रीऑर्डर पीरियड। बट इसमें भी हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, मैक्सिमम। इसमें भी काय को मैक्सिमम कर रहे हैं सर, इसमें भी काय को मैक्सिमम कर रहे हैं। अब देखो वापस से गारंटी की बात करते हैं। देखो अब भाई वो मिनिमम 6 दिन में दे देगा, बराबर के, अब वो बोल रहा है सर मैं कम से कम 6 दिन में देगा और मैक्सिमम 8 दिन में देगा। अपने को रिस्क लेने का है क्या कि आउट ऑफ स्टॉक होने का, इतना दिमाग में रखने का, इतना दिमाग के अंदर रखने का, अपने को कहीं पे भी रिस्क लेने का है क्या कि अपने को आउट ऑफ स्टॉक होने का है? नहीं सर, मेरे को ऐसा रिस्क बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है बाबा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है। तो अगर ऐसा रिस्क नहीं लेने का है तो अपन क्या बोले भाई, मैक्सिमम का प्रोविजन करके रख, क्योंकि अगर कभी भी भाई मैक्सिमम का ऑर्डर आ गया तो अपने को देने को होना रे। अब सेम वे में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड काय को कंसीडर कर रहा है भाई, वो सप्लायर बोल रहे हैं मैं 6 से 8 दिन में देगा, 6 दिन में देगा इसकी गारंटी है क्या? नहीं, वो बोलता है दे देगा बट गारंटी नहीं है, मेरे को डिले भी हो सकता है, 7 और 8 दिन भी लग सकते हैं। तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं भाई, तू मैक्सिमम कब तक देगा इतना बता देना, 100% गारंटी तू कब तक देगा? तो वो बोलता है साहब मैं 8 दिन में दे देगा सर, मैं इसको 8 दिन में दे देगा, मैं एकदम मस्त बोल रहा है सर, 8 दिन में दे देगा मैं। तो फिर वो क्या बोल दिया, 8 दिन में देगा ना, ओके, तो फिर 8 दिन में मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है, तो मैं 8 दिन का प्रोविजन रखता हूं ना यार। तो भाई मेरे को मालूम है कि मैक्सिमम मेरा इतना कंजम्पशन हो रहा है, होने दे, वो मेरे को मालूम है 8 दिन तक तू, मतलब तू 8 दिन तक मैक्सिमम भी कंजम्पशन करते रहेगा ना, तू आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। क्या बोल रहे, तू 8 दिन तक भी इस डेटा के हिसाब से तू 8 दिन भी अगर मैक्सिमम कंजम्पशन करते रहेगा ना बेटे, तू कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई अब मेरे को मालूम है 8वें दिन पे अगर मैं मैक्सिमम कंजम्पशन करेगा 0 हो जाएगा, बट 8वें दिन पे 8th day पे आई विल रिसीव माई मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर एंड माई स्टॉक विल बी रिप्लेनिश्ड। धंधा कभी रुकेगा नहीं साहब। तो इसीलिए कौन से लेवल पे हमने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, तो कौन से लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए अपन ने, बताइए दोस्तों, बताइए बताइए। तो सर
हमने ऐसे लेवल पे प्लेस करना चाहिए विच विल बी वॉट मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. बोलो जमी क्या बात. समझ में आएगा, कुछ बोलना पड़ेगा आप सबको. बहुत अच्छे से समझ में आया सर, मजा आ गया. अब यहां से आगे बढ़ते हैं. बराबर, अब ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला विच टॉक्स अबाउट मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. बराबर, अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं. सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं. अब सेकेंड फॉर्मूला मतलब सेकेंड फॉर्मूला क्या बोलता है, तो अगर आप क्या मेंटेन कर रहे हो, अगर आप मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन कर रहे हो, मिनिमम स्टॉक बराबर बराबर जिसको ही अपन क्या बोलते हैं मिनिमम स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, या ही इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर आप कहते हैं मिनिमम स्टॉक, या तो अपन बात करते हैं एज व्हाट द सेफ्टी स्टॉक. इफ यू आर मेंटेनिंग मिनिमम स्टॉक और इफ यू आर मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक बराबर, तो आप रीऑर्डर लेवल कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी बात हो रही है. तो आप रीऑर्डर लेवल कैसे डिसाइड करेंगे, तो फिर यहां पे अपन बात करते हैं एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड. इंटू व्हाट? एवरेज रीऑर्डर पीरियड. आई बात समझ में? सो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है. दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, लॉजिकली बॉडी के अंदर से आना चाहिए, कुछ भी चीज रटनी नहीं है. हाँ हर्षद सर, कोई भी चीज रटाते नहीं है, वो याद हो जाती है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है. ओके, बहुत भारी बोला सर आपने. तो अब क्या है दूसरा फॉर्मूला, क्या है मिनिमम स्टॉक या तो सेफ्टी स्टॉक, यदि आप मेंटेन करते हो मिनिमम स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक, मतलब हर घड़ी हर समय आपके पास इतना स्टॉक आपका होना ही चाहिए. यू शुड बी हैविंग इतना मिनिमम स्टॉक बराबर के लिए. अगर आप इतना स्टॉक रख रहे हो तो रीऑर्डर लेवल कैसे निकालेंगे, तो आइए समझते हैं इसको भी. चलो ना इसको भी समझते हैं. तो क्या कहता है यहां पे मेरा बच्चा, अगर तू देखेगा यहां पे, सो फिर से ये अपना क्या हो गया, ये अपना स्टॉक लेवल हो गया यहां पे, ये अपना स्टॉक लेवल हो गया यहां पे. तो अब मेरी बात को समझ कि अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे, कि हर घड़ी हर समय यहां पे सर जी इतना स्टॉक में मेरे पास रखता हूं, बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक. तो इतना मेरे पास मिनिमम स्टॉक हर बार रहेगा, अपन बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है. अब मेरे को डिसाइड करने का है कि मेरा रीऑर्डर लेवल के होगा, तो रीऑर्डर लेवल तो ऑब्वियसली यहां पे होगा ना, इधर ऊपर ऊपर इधर होगा ना, ये सर रीऑर्डर लेवल होगा ना. सो अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अगर मिनिमम स्टॉक लेवल है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, तो रीऑर्डर लेवल पे पहुंचने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, यहां से मैंने क्या करना चाहिए बताओ सर, यहां पे मैंने प्लस करना चाहिए. आई बात समझ में आपको? यस सर. अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पे प्लस क्या करेंगे हम लोग सर, यहां पे प्लस करेंगे हम लोग क्या, एकदम सिंपल सी बात है, प्लस क्या होगा, कंजम्पशन इंटू रीऑर्डर पीरियड. बट अब यहां पे डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम के जगह हम क्या करेंगे, एवरेज इंटू एवरेज करेंगे. अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, यहां पे सर आप एवरेज इंटू एवरेज क्यों कर रहे हो? देख अब बात समझ, मेरे पास मिनिमम स्टॉक है और मैं एवरेज इंटू एवरेज करता हूं, तो अब थोड़ा लॉजिक लगाना, रैशनली सोचना. अगर मेरे को क्या बोलते हैं उसको, अगर मेरे को मिनिमम यूसेज का रिक्वायरमेंट आया, पहले कंजम्पशन की बात करते, पहले किसकी बात करेंगे, कंजम्पशन की. रेडी हो दोस्तों? पहले एवरेज कंजम्पशन की बात करेंगे. चलो तो अगर मैं बात करता हूं एवरेज कंजम्पशन की, किसकी बात करता हूं, एवरेज कंजम्पशन की, तो मेरे भाई मेरे बच्चे मेरे बेटे मेरा प्यारा बाबू सोना मेरा एकदम प्यारा प्यारा क्यूटी क्यूटी बेबी, मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा मिनिमम कंजम्पशन, आप समझिए, अगर मेरा मिनिमम कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट आया तो भी क्या फुलफिल हो सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है.
अगर आपको सर मिनिमम कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट आता है, पूरा होगा ना सर? क्यों नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा. क्यों? क्योंकि हम लोग एवरेज कंजम्पशन का प्रोविजन करके रख रहे हैं ना. सो इवन इफ आई रिसीव मिनिमम कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट, आई हैव स्टॉक सफिशियंट विथ मी, कि जिससे क्या हो जाएगा, मैं मेरा प्रोडक्शन कर सकता हूं. अब एवरेज का अगर रिक्वायरमेंट आया, एवरेज रिक्वायरमेंट का आया मेरे पास, तो क्या हो जाएगा? एवरेज का तो है ना मेरे पास, तो कोई टेंशन नहीं है ना. एवरेज का है, एवरेज का प्रोविजन करके रखा है, तो भी कोई टेंशन नहीं है. बट लास्ट में ओ सर 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 सर, अगर मैक्सिमम का आया तो आपके पास स्टॉक नहीं है ना सर. ए, डरने का नहीं, मेरे पास मिनिमम स्टॉक है ना, उसमें से यूज कर डालेगा मैं. सही है ना? तो आप समझिए, एवरेज का प्रोविजन क्यों करके रखा? क्योंकि मेरे पास अगर मिनिमम का आया सफिशियंट है, एवरेज का आया सफिशियंट है, मैक्सिमम का आया तो सफिशियंट कैसा कराएगा मैं भाई? मैक्सिमम का आया ना तो मैं क्या करेगा, मैं मिनिमम में से यूज कर लेगा ना भाई. सेम वे में अब एवरेज कंजम्पशन यूज कर रहा हूं, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करेगा किससे? एवरेज रीऑर्डर पीरियड से रे बाबा, एवरेज रीऑर्डर पीरियड से करेगा. अब एवरेज रीऑर्डर पीरियड मतलब क्या? देखो, वो मिनिमम में दे देगा इसकी गारंटी नहीं है, और अगर नहीं भी देगा तो भी मेरे पास क्या है, मिनिमम स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास. मैक्सिमम में दे देगा इसकी गारंटी है, बट काय को करने का ना, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, एवरेज में तो दे ही देगा वो. आई बात समझ में आपको? तो इसीलिए दूसरा लॉजिक, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट का फॉर्मूला क्या कहता है, कि इट इज मिनिमम स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड. सो दोस्तों, क्या आपको रीऑर्डर लेवल का, क्या आपको रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला समझ में आया क्या? बताओ, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको समझ में आया क्या? कम ऑन एवरीबॉडी, यू हैव टू टेल मी, समझ में आया क्या? अरे बहुत मेहनत कर रहे भाई. रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको समझ में आया क्या? बोलना पड़ेगा आपको. यस, इजी था एकदम, इजी था एकदम. यस सर. चलो, सो अब बात करेंगे किसके बारे में? रीऑर्डर लेवल के दो फॉर्मूलास, बराबर. अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर तीन, जो बात चल रहा है अबाउट व्हाट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका फॉर्मूला है टू इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी, टू ए ओ डिवाइडेड बाय सी. सर, व्हाट इज दिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? व्हाट इज दिस ए ओ सी ओ? सर व्हाट इज दिस? तो यदि आपको ये जानना है, समझना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इसका ये फॉर्मूला कैसे आया, और है क्या चीज भाई, व्हाट इज दिस, तो आपको आना होगा कल, है ना? और कल बात करेंगे ईओक्यू, इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है ईओक्यू में, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बराबर, जो हम लोग पढ़ते हैं. तो कल मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा. थैंक यू वेरी मच. आई होप इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग डे वन फॉर यू, राइट? सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.